The message Enticing Spirits was delivered on July 24, 1955 at Burnham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. ये समाचार हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन बर्नम द्वारा जून 9, 1955 में बर्नम टबर्निकल जेफरसनविले इंडियाना में प्रचारित किया गया, जिसका अंग्रेजी शीर्षक एंटाइसिंग स्पिरिट्स है और हिंदी शीर्षक भरमाने वाली आत्माएं है। Giving us some little shadow that it won't be so hot here in the tabernacle for the morning service. मित्रों शुभ प्रातः। इस प्रातः यहाँ आकर प्रसन्न हैं और ये जानते हुए कि दिखाई दे रहा है आप सब ये विश्वास करते हैं कि आज प्रभु हमारे साथ है। हमें इसकी छोटी सी झलक दे रहा है कि आज यहाँ प्रातः की सभा आराधनालय में अधिक गर्म ना होगी। और अब मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ बालकों को उनकी कक्षा में भेज दिया गया है। भाई नेविल, मैंने कुछ छोटे बालकों को देखा, मुझे थोड़ा अचरज हुआ कि क्या उन्हें वापस उनकी कक्षाओं में उनके स्थान पर भेज दिया गया है, उनके संडे स्कूल के कमरे में। Now, pray for me. I've got a great decision I was supposed to make last night, and I have to make it today. And let the church pray. अब मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने एक महान निर्णय लिया है, मुझे ये पिछली रात्रि में करना था और आज करना था, और कलीसिया प्रार्थना करे। I got a meeting coming up next. It's right on the Iron Curtain line in Germany. And it's a little touchy. मेरी अगली सभा जो होने वाली है ये जर्मनी की लोहे की दीवार के पास होगी, और ये थोड़ा भावुक है, और मेरे लिए प्रार्थना करें। और इसलिए ये है, हम सीधे ही जर्मन में बड़े क्रिकेट के स्टेडियम में इसे आरंभ कर सकते हैं, जिसे हिटलर ने युद्ध से थोड़ा पहले बनाया था। ये बड़ा स्थान जिसमें 8,000 लोग बैठते हैं, और हम सीधे उसे 10 दिन के लिए ले सकते हैं। And so we're hoping to get started in there right away and then over to La Salarine, France next, then to Berlin, come back to, I mean Berlin between that and in France. और इसलिए हम ठीक वहाँ पर आरंभ करने की आशा कर रहे हैं, और तब फिर ला सेला लॉरिन फ्रांस में, फिर बर्लिन में वापस, मेरा अर्थ बर्लिन उसके और फ्रांस के बीच में। Then we come back to Lord willing and the convention in Chicago begins I think the 5th, 6th, 7th, 8th and 9th is my part in Chicago of the convention at the Swedish church. तब हम वापस आकर प्रभु ने चाहा तो शिकागो की बेदारी सभा में, मैं सोचता हूँ कि 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें जो मेरा भाग शिकागो में स्वीडन गिरजे की सभा आरंभ होगी। और तब वहाँ श्री बोज, आप में से कुछ शिकागो के आसपास से हैं, उनकी बेदारी सभा है जो कि अगले 1 अगस्त या 1 सितंबर में आरंभ होने जा रही है, ये स्वीडन में है। और मैं ये जानकर प्रसन्न हूँ कि उनका मत मेरे लिए है, और ये विश्वास स्तर और 100% था कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं इससे प्रसन्न था, परंतु मुझे या तो वहाँ जाना है या अब यहाँ होना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी अगुवाई उसी स्थान पर करेगा जहाँ पर अधिक प्राण बचेंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे अच्छा किया जाएगा। Now, they're having a convention up there in Sweden, and he said we'd have 25,000-35,000 people,
to start with at the convention, and many of them unsaved people. अब उनकी सभा वहाँ है और वे स्वीडन में हैं और उसने कहा कि हम 25-35 हजार लोगों से बेदारी सभा आरंभ करेंगे और उनमें से बहुत से लोग बचे हुए नहीं हैं। And then down here in Germany, well, they got a stadium that seats 80,000. और तब यहाँ जर्मनी में उनके पास स्टेडियम है जिसमें 8,000 लोग बैठते हैं। In Switzerland, where we just left, we had a wonderful meeting there. Many of you probably have never heard yet. ठीक है, हम स्विट्जरलैंड में जो हमने अभी छोड़ा है, वहाँ हमारी बहुत अच्छी सभाएं हुई थीं और संभवतः आप में से बहुतों ने अभी तक नहीं सुना होगा। The Lord blessed us mightily. Had 50,000 converts in 5 nights at Zurich, Switzerland. प्रभु ने हमें जबरदस्त आशीषित किया। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में 5 रात्रियों में 50,000 का मत परिवर्तन हुआ। And, so brother Jack Schuler, many of you know him. He's Methodist, old Bob Schuler's boy. और इसलिए भाई बॉब शूलर, आप में से बहुत से उसे जानते हैं, वो मेथोडिस्ट है, वो बूढ़े बॉब शूलर का लड़का है। They're in Belfast now, and they say they're just turning a place upside down over there for the gospel. And even greater than what Billy Graham had in his meeting. अब वे बेलफास्ट में हैं और वे कहते हैं उन्होंने सुसमाचार के लिए सब कुछ उलट पुलट कर दिया है और जो बिली ग्राम की सभा में हुआ था उससे भी अधिक। Jack is a very fine young fella, full of zeal and love, and he just so sincere at it that I believe he's a great servant of the Lord. And pray for Brother Schuler. जैक बहुत अच्छा नवयुवक है, वो जोश और प्रेम से भरा हुआ है और वो इस पर इतना लगन वाला है, यहाँ तक कि मैं विश्वास करने लगा कि ये प्रभु का एक महान सेवक है और भाई शुलर के लिए प्रार्थना करें। Jack Schuler and Jack MacArthur also is with him. Brother Jack MacArthur is a great preacher too. और क्या जैक शुलर और जैक MacArthur भी उसके साथ हैं? भाई जैक MacArthur भी एक बड़े प्रचारक हैं। And there I have the churchman said it's the greatest revival that's ever hit Ireland. और वहाँ की कलीसिया के लोगों ने कहा ये महान बेदारी थी ऐसी जो कभी आयरलैंड में नहीं हुई। So go to prayer daily for those men. इसलिए हम बहुत उन लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना में जाते हैं। They're both young men under around 40, I guess, they're under families and so forth and good solid gospel teachers and we love them. वे दोनों नवयुवक हैं, लगभग 40 के नीचे मेरा अनुमान है, या परिवारों में हैं और आदि आदि और अच्छे पक्के सुसमाचार प्रचारक और हम उनसे प्रेम करते हैं। And I pray that you won't forget me, that God will let me make the right decision right now. और अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे नहीं भूलेंगे और परमेश्वर अब मुझे ठीक निर्णय लेने देगा। एक समय ऐसा होता है जहां आप नहीं जानते हैं कि किधर मुड़े। क्या आप कभी ऐसे स्थानों पर आए हैं? मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस एक बार ऐसे स्थान पर था, क्या नहीं था? ये दो सीधी सीधी स्थितियों के बीच में था। और जब वो जा रहा था, क्यों उसने एक दूत को दर्शन में देखा, इधर मिकी दुनिया में जाओ। So, the Lord still has his angel, doesn't he? If I can just be as humble in my heart about it as Paul was. इसलिए अब भी प्रभु के पास उसके दूत हैं, क्या नहीं है? यदि मैं अपने हृदय में पौलुस के समान नम्र बन जाऊं। Now, tonight, remember the gospel service is here at the tabernacle. Everybody come out. और अब रात्रि स्मरण रखें, सुसमाचार की सभा यहाँ आराधनालय में है, हर कोई आए। आप जो लूजविले के आसपास, मैं ओपन डोर आराधनालय में आज रात्रि कुछ घंटों के लिए बोलूंगा, 7:30 से 9:30 तक भाई कोबल्स के यहाँ। मैं यहाँ दो बार आने वाला था और वो तो इतना भला व्यक्ति है और उसने बुलाया। Brother Cobble is a very fine gentleman, brother. You're a very fine brother, and just couldn't hardly turn him down like that.
pray. Above all things, pray. And pray that God will give us the right decision to make. और भाई कोबल्स ये बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है. आप मुझे निश्चय है कि आप भी जानते हैं. बहुत अच्छा भाई. और इस प्रकार से मैं उन्हें मना ना कर सका. प्रार्थना करें सब बातों के ऊपर. प्रार्थना और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सही निर्णय लेने देगा. Before we start the gospel message, we got a morning we're to dedicate little children. And I got a little fellow here to dedicate to the Lord. अब इससे पहले कि हम सुसमाचार संदेश आरंभ करें, हमारे पास प्रार्थना है. हमें छोटे बालकों को समर्पित करना है. और यहाँ मेरे पास एक छोटा बालक भी प्रभु के समर्पण के लिए है. Now, many times, many churches, can you hear all right way back if you can? Is it all right? अब बहुत सी बार बहुत सी कलीसियाओं में क्या पीछे आप ठीक से सुन सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं? क्या ये ठीक है? These fans here, you can hear yourself. Oh, that's all right. I'm afraid of parents. यहाँ पर पंखे हैं. आप अपने आप से आपको नहीं सुन सकते. नहीं, ये ठीक है. मुझे भय है कि इसके बिना मैं नष्ट हो जाऊंगा. इसलिए कभी कभी वे छोटे बालकों पर आराधनालय में छिड़काव करते हैं जब वे बहुत छोटे से बालक होते हैं. And, of course, that comes from the Catholic Church by christening the little children or baptizing as they call them when they're just little fellows. और ये ठीक है कि बालकों के क्रिस्निंग या बपतिस्मे करने के द्वारा ये कैथोलिक कलीसिया में आया है. जैसा कि वे उन्हें जब वे बहुत छोटे होते हैं तब बुलाते हैं. The Methodist Church brought it out of infant baptism and many and I think several more. मेथोडिस्ट कलीसिया इस बच्चों के बपतिस्मे को बाहर ले आई और बहुत से और मैं सोचता हूँ और बहुत कुछ. I think that's the difference between the Nazarene and the old fashioned Methodist was the infant baptism and then मैं सोचता हूँ कि नाजरीन और पुराने मेथोडिस्ट के बीच में ये बालकों के बपतिस्मे की भिन्नता है और तब छोटा सा अलगाव और आदि आदि. परंतु जो भी विधि है ये नहीं, मैं नहीं सोचता कि ये बहुत महत्व रखता है क्योंकि अंततः मैं सोचता हूँ कैलवरी सब चीजों को दूर कर देती है. वही सब के लिए क्योंकि यीशु वहाँ छोटे बालकों और संसार को बचाने के लिए मरा. And a little child, no matter what kind of a parent it's got, how sinful, that wouldn't make any difference. For the blood of Jesus Christ cleanses him, see? And this is the Lamb of God that taketh away the sin of the world. और एक छोटे बालक के लिए इससे कोई मतलब नहीं कि उसके माता पिता किस प्रकार के हैं, वे कितने पापी हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि यीशु मसीह का लहू उसे शुद्ध करता है. देखा, और परमेश्वर का ये मेमना जो कि संसार के पापों को उठा लिए जाता है. That baby cannot repent. It don't know how to repent. It has no reasons of being here for of its own. It can't tell you why it's here. वो बालक प्रायश्चित नहीं कर सकता. वो नहीं जानता कि कैसे प्रायश्चित करे. वो यहाँ अपने किसी कारण से नहीं है. वो नहीं बता सकता कि वो किस कारण से यहाँ है. But God sent it here, and the blood of Jesus Christ cleanses it the very moment that it comes into the world. परंतु परमेश्वर ने उसे यहाँ भेजा है और यीशु मसीह का लहू उसे जिस क्षण वो इस संसार में आता है शुद्ध करता है. And it's until it's the age of accountability, then it knows right and wrong, and then what it does, it's got to repent for what it knows that it's done wrong. और ये उसकी उत्तरदायित्व की आयु तक, जब तक कि वो सही और गलत नहीं समझता है तब तक है. और तब वो क्या करता है ये जाने कि उसने क्या क्या गलत किया और उसका प्रायश्चित करे. ये ठीक बात है. इसलिए उनमें से कुछ उन पर छिड़काव करते हैं और सोचते हैं कि वे स्वर्ग नहीं जाते. Well, the baby go to heaven, but if it isn't, there's no more to it. The baby just is no more. That's strictly an error. एक शिक्षा है जो ये कहती है यदि बालक पवित्र आत्मा वाले माता पिता से उत्पन्न होता है तो फिर बालक स्वर्ग जाएगा. यदि ऐसा नहीं है तो उसका कुछ नहीं है, बालक फिर नहीं है. ये एक जबरदस्त त्रुटि है. What
difference does it make where it's the Holy Ghost parents with all sexual desire and the baby is born the same way? इससे क्या अंतर पड़ता है कि माता पिता पवित्र आत्मा पाए हुए हैं या नहीं? ये केवल काम इच्छा है और ऐसे ही बालक उत्पन्न हुआ. So it's all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. That's the scriptural terms of it. इसलिए कुल मिलाकर पाप में उत्पन्न हुआ, दुष्टता में पला बढ़ा, संसार में झूठ बोलता हुआ आया, ये उसके लिए पवित्र वचन से है. So, and then the blood of Jesus Christ cleanses and makes an atonement for that child. If it died, be perfectly go right into the presence of God. If it was born from the most sinful parents in the world, until it's the age of accountability where it knows right and wrong. इस प्रकार और तब यीशु मसीह का लहू बालक को शुद्ध और छुड़ाने के लिए है. यदि वो मर गया तो वो सिद्ध रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है. यदि वो संसार में बहुत अधिक पापी माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुआ, जब तक वो उत्तरदायित्व की आयु तक नहीं आता जहां पर वो सही और गलत ना जाने, और तब ये क्या करता है? तब से उसके लिए उसकी क्षमा होनी है, तब से उसे अपने ही प्राश्चित के द्वारा मांगना है. Now, the way we try to follow here at the tabernacle is the only place in the world that I go and I preach doctrine. It's here at the tabernacle because this is our church. परंतु जब वो बालक है, अब जिस प्रकार से हम अनुकरण करना चाहते हैं, ये आराधनालय ही है. संसार में केवल एक स्थान है जहाँ पर मैं शिक्षा का यहाँ आराधनालय में प्रचार करता हूँ, क्योंकि ये हमारी कलीसिया है. We preach doctrine here to keep the people lined up. और हम यहाँ शिक्षा का प्रचार लोगों को ठीक रखने के लिए करते हैं. Other men in their churches, they preach whatever they believe. They're my brothers. And we might differ a little bit, but we're still brothers. It's just the same. दूसरे व्यक्ति अपनी कलीसियाओं में जो वे विश्वास करते हैं प्रचार करते हैं, और वे मेरे भाई हैं, और हो सकता है हम थोड़े भिन्न हों, फिर भी हम एक से भाई हैं. But here in the tabernacle, we preach what we think is scriptural doctrine. और परंतु यहाँ इस आराधनालय में हम वो प्रचार करते हैं जो हम सोचते हैं कि वचनानुसार शिक्षा है. और उसमें हम बालकों के समर्पण को देखते हैं, जिसे हम समर्पण कहते हैं. The only time in the Bible that we can find out a word in the New Testament that were little children was ever had anything to do or Christ had anything to do in it in a ceremony. Was he take them up in his arms and laid his hands upon them and blessed them and said, "Suffer little children to come to me. Forbid them not, for such is the kingdom of God." बाइबल में केवल एक ही समय था जो कि हम देख सकते, या जहाँ की नए नियम में जहाँ कभी बच्चों को कुछ करना था या मसीह को कोई धार्मिक अनुष्ठान करना था, कि उसने उन्हें अपने हाथों में लेकर और अपने हाथ उन पर रखे और उन्हें आशीष दी और कहा, बालकों को मेरे पास आने से मना ना करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है. Now, we are left, as we understand, to carry on the work that he come to accomplish. अब देखिए, जैसा कि हम समझते हैं, हम यहाँ पर उस कार्य को आगे बढ़ाए रखने के लिए हैं, जिसे वो पूरा करने आया था. His death at Calvary, he was with us. And he went from come out of God into the world, went back from God from the world into God, and come again in the form of the Holy Spirit, and with us, in us, to the end of the world, carrying out in his church the same work that he did when he was here on earth. कैलवरी पर उसकी मृत्यु, वो हमारे साथ था, और वो वहाँ से गया, परमेश्वर से निकलकर संसार में आया, वापस परमेश्वर में चला गया, या संसार से वापस परमेश्वर में चला गया और फिर से पवित्र आत्मा के रूप में आया, और अब हमारे साथ है, हम में है, संसार के अंत तक, और अपनी कलीसिया में वही कार्य कर रहा है जो कि उसने तब किए थे जब वो पृथ्वी पर था. And by that we take our children one to the other to the ministers and they pray over them, lay their hands upon them and dedicate them to God. और इसके द्वारा हम अपने बालकों को एक के बाद दूसरे को सेवकों को लेते हैं और वे उन पर प्रार्थना करते और अपने हाथों को रखते और परमेश्वर को समर्पित करते हैं. Just a little ceremony to say that we appreciate what the Lord has done for us as little children. एक छोटा सा संस्कार ये कहने के लिए कि हम उसकी सराहना करते हैं जो प्रभु ने किया, जो प्रभु ने हमारे लिए और बालकों के लिए किया. Has your little one been sprinkled or whatever way it is at your church? Thank you. We don't say one thing against that.
अब यदि आपके छोटे बालकों पर छिड़काव हुआ है या आपकी कलीसिया में जो कुछ भी हुआ हो तो सोचिए, हम उसके विरोध में कुछ नहीं कहते हैं, वो ठीक है। परंतु वचन के अनुसार हम केवल एक स्थान पाते हैं कि जहां यीशु ने उन्हें स्वयं आशीषित किया। प्रभु की इच्छा हुई तो मैं उसे वचन में से पढ़ूंगा। संत लूका में हम इसे पाते हैं, मेरा विश्वास है, दसवां अध्याय और तेरहवें पद से आरंभ करके। And they brought young children unto him that he should touch them. And his disciples rebuked them that brought them. फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। But when Jesus saw it, he was much displeased and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for such is the kingdom of God. यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। And he took them up in his arms and put his hands upon them and blessed them. और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। That lovely? ये प्यारा है ना? He said, Now suffer the little children to come to me. Don't forbid them, for such like that little child is the kingdom of God. And he took them in his arms and blessed them. उसने कहा, बालकों को मेरे पास आने से ना रोको, इन्हें मना ना करो, क्योंकि ऐसे छोटे बालकों का परमेश्वर का राज्य है। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन्हें आशीषित किया। How we would love this morning if we could have Jesus sitting in person here on the platform say, Lord, would you bless my child? अब हम इस प्रार्थना को कितना पसंद करते हैं यदि यीशु आज व्यक्ति होकर इस मंच पर यहाँ होते। हम कहते, प्रभु क्या आप हमारे बालक को आशीषित करेंगे? क्या ही, क्योंकि हमारी मानवीय आँखें और हमारे हृदय इसे देखने की इच्छा रखते हैं। But he's here anyhow. Or he gave up the commission to do it, and as we have done, so does he recognize. परंतु जो भी है वो यहाँ है, क्योंकि उसने हमें ये करने का प्राधिकार दिया है, और जैसा कि हमने किया है वैसे ही वो मान्यता देता है। We received one he sent, received him as sending, you see. So he's here this morning. जिसको वो भेजता है हम उसे ग्रहण करते हैं, तो हम उसे ग्रहण करते हैं जिसने उसे भेजा, इसलिए आज प्रातः वो यहाँ है। And Sister Gertie will come up to the piano and play our old song we used to sing a long time ago on this. Bring them in. Bring the little ones to Jesus. और यदि बहन ग्रेटी यहाँ पियानो पर आएंगी और हमारा पुराना गीत जिसे हम बहुत पहले गाया करते थे, उन्हें भीतर लाओ, छोटे छोटों को यीशु के पास लाओ, उस पर धुन देंगी। मेरा विश्वास है कि ये यहीं कहीं पुस्तक में है, मैं निश्चित नहीं हूँ। छोटे छोटे बालकों को यीशु के पास लाओ। And if you have a baby, a little baby that has not been dedicated and you want to dedicate it this morning, we'd be glad to do it. और यदि आपके पास छोटा बालक है, एक बालक जो कि समर्पित ना किया गया हो, और आज प्रातः आप उसे समर्पित करना चाहते हैं, तो ऐसा करके हमें क्यों ना प्रसन्नता होगी। And is there any ministers in the building, preachers that would just want to walk up and stand with us here while we dedicate these children to the Lord? We'd be glad to have you as you come. क्या यहाँ कोई सेवक प्रचारक इस भवन में है जो कि यहाँ आना और हमारे साथ खड़ा होना चाहता है जबकि हम इन बालकों को प्रभु को समर्पित करते हैं? आप आते हैं तो हम आपके साथ होकर प्रसन्न होंगे। ठीक है, क्या ये पुस्तक में है? भाई नेविल, आपको मिला? ये इसमें नहीं है।
All right, how many knows to bring them in? All right, let's sing it now. Everybody together, while the mothers bring your babies. All right. ठीक है, कितनों को आता है? उन्हें भीतर लाओ. ठीक है, अब इसे गाएं. सब एक साथ मिलकर इसे गाएंगे. जबकि माताएं अपने बालकों को ला रही हैं. ठीक है, अच्छा है. क्या एक क्षण के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे? Our heavenly Father, standing around the altar this morning, stands the mothers and fathers holding their little offsprings in their arms that Thou hast graciously given unto them. हमारे स्वर्गीय पिता इस प्रातः वेदी के चारों ओर माताएं और पिता अपने अपने बालकों को अपनी अपनी गोदी में लेकर खड़े हैं, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह में होकर उन्हें दिए हैं. They're so thankful for them, Lord. And they're bringing them up here to the altar this morning in the house of God to dedicate them, give their lives to Thee. वे इनके लिए बहुत ही धन्यवादित हैं प्रभु, और आज प्रातः वे उन्हें यहाँ ऊपर वेदी पर ला रहे हैं कि प्रभु के भवन में उन्हें समर्पित करें, उनके जीवन तुझे दें. Thou has given, and we pray God that You will nourish and bless each one of them, lead them, and may the guardian angels of God watch over each one. तूने दिया है, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनमें से प्रत्येक को पोषित और आशीषित करेंगे, उनकी अगुवाई करें, और परमेश्वर के सुरक्षा करने वाले दूत प्रत्येक पर अपनी दृष्टि रखे. Give them long lives of happiness and joy. May they raise up to be men and women of God of tomorrow, if there is a tomorrow. उन्हें प्रसन्नता और आनंद का लंबा जीवन दें, और होने दें कि आने वाले कल के वे परमेश्वर के पुरुष और महिलाएं बने, यदि कोई आने वाला कल है. God, we pray that You'll raise preachers and prophets and teachers out of this group of babies that's around the altar this morning. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन बालकों के झुंड में से जो यहाँ वेदी के चारों ओर इस प्रातः हैं, आप प्रचारक, भविष्यद्वक्ता और शिक्षक बनाएंगे. And when we're old and can go no farther, someone has to take us from place to place. May we be able to stand and hear the gospel preached for these that are here today. Grant it, Lord. और जब हम बूढ़े हो जाएं और आगे ना बढ़ सकें, कोई इनमें से हमें एक से दूसरे स्थान ले जाए करे, होने दे कि हम इस योग्य हो सकें जो आज यहाँ हैं, इनके द्वारा सुसमाचार का प्रचार सुन सकें. प्रभु इसे प्रदान करें. In some glorious day, when it's all over, our lives are finished, these parents around the altar, may we be like Jacob of old when he blessed all of his children and told them what their end would be in the last days. और किसी महिमा वाले दिन जब ये पूरा हो जाए, हमारे जीवन पूरे हो जाएं, तो ये माता पिता जो कि वेदी के चारों ओर हैं, हम पुराने वाले याकूब के समान हों, जब उसने अपने सारे बालकों को आशीषित किया और बताया कि उनका अंतिम दिनों में क्या अंत होगा. Then looking up, said, you know I'm to be together with my people. In some glorious day, he and all of his offspring to be gathered together in a better land. तब उसने ऊपर देखकर कहा, तुम जानते हो मुझे अपने लोगों के साथ मिलना है, और किसी महिमा वाले दिन वो और उसकी कुल संतानों को एक अच्छे देश में एकत्र होना है. No honor, Balaam said, let my last end be like his. कोई आश्चर्य नहीं कि बालाम ने कहा, मेरा भी अंत उसके समान हो. God, I pray that you'll grant these blessings upon the parents. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये सारी आशीषें इन अभिभावकों को प्रदान करेंगे. And now, as we go to lay hands upon them, what a wonderful and how humble that you've made it, Lord, if we, man of this earth, would have the privilege of blessing little children in thy name.
और अब जैसे कि हम इन पर हाथ रखने जाते हैं, कितना शानदार और नम्र आपने ये बनाया है कि प्रभु हम इस पृथ्वी पर के मनुष्यों को बालकों पर आपके नाम से आशीष देने का ये विशेषाधिकार प्राप्त होगा, ये जानते हुए कि हम जो मांगते हैं हमें दे दिया गया है। जैसा कि हम उन्हें आशीषित करने जाते हैं कि यीशु ना दिखने वाला व्यक्ति सर्वशक्तिमान समीप खड़ा हो, और जब हम अपने हाथ उन पर रखते हैं तो उनमें से प्रत्येक को आशीषित करे जब उन्हें उसे समर्पित करते हैं, क्योंकि हम ये उसके नाम से मांगते हैं। आमीन। भाई ग्रीन फ्लंग के पास 3 छोटे छोटे बालक प्रभु को समर्पित करने के लिए हैं। थोड़ा पास आए, वहाँ नॉर्थ लैंड में आपने इस बालक के लिए मुझसे प्रतिज्ञा की थी। पिता आपकी आशीषें इस पर हों। जोसेफ मेरे लड़के, मैं तुम्हें परमेश्वर को देता हूँ और तुम्हारा जीवन एक आशीष हो। जोसेफ ऐसा हो, तुम एक भविष्यद्वक्ता बनो। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पिता का परमेश्वर तुम्हें आशीषित किए रहे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष हो। यीशु मसीह के नाम में मैं इसे आशीषित करता हूँ। आमीन। बालकों से प्रेम करना, इन छोटों में कुछ है कि प्रत्येक माँ अपने बालक को आशीषित कराना चाहती है। इसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता हम बड़ों को भी, वो हम में से प्रत्येक को आशीषित कराना चाहता है। वो हमें किसी निश्चित चीज के सामने उपस्थित करता है, जैसे कि ये कहते हुए प्रदान करता है, मेरे बालक मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूँ। Isn't he wonderful? So we can appreciate a kind heavenly father like that. ये कितना अद्भुत है, इसलिए हम ऐसे स्वर्गीय पिता की सराहना ऐसे कर सकते हैं। Now, in the blessings of little baby, you know, I was just reading here in a scripture the other day, somewhere over here, it's in the Old Testament, at the A great thing that I certainly appreciated getting to read. Here it is right here. अब आप जानते हैं, छोटे बालकों को आशीषित करने में, अभी उस दिन मैं यहाँ एक पवित्र वचन पढ़ रहा था, यही कहीं पुराने नियम में एक महान बात पढ़ते हुए जिसकी मैंने निश्चय सराहना की, ये यहाँ पर है। And Nathanael said unto David, Do all that's in thy heart, for God is with thee. Do what's in your heart. और नातान ने दाऊद से कहा, जो तेरे हृदय में है तू वो कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। समझे, कर जो भी तेरे हृदय में है। मसीही मित्रों, मैंने बहुत सी बार ये पाया है कि मैंने बातें बोली हैं और ये ना जानते हुए कि मैं क्या कहूँगा, और देखा कि वो घटित होगी जो आप कहते हैं। एक बार ये कहा गया, यीशु पहाड़ पर से उतर कर आया और उसने एक पेड़ को देखा जिस पर कुछ नहीं था, केवल पत्तियां थीं और उस पर कोई फल नहीं था, और उसने कहा, अब से कोई मनुष्य तेरा फल न खाएगा। And the next day, passing by, the apostle saw the leaves withered. He said, Behold how quick the trees withered.
और अगली प्रातः वहां से निकलते हुए चेलों ने देखा पत्तियां सूख गईं। उसने कहा देखो पेड़ कितनी जल्दी सूख गया। Jesus said, have faith in God. For whatsoever things you desire when you pray, believe you receive it, and you shall have it. And whatever things you say, you shall have what you say. यीशु ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो, इसलिए तुम जो भी चाहो जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि तुम्हें ये मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा, और जो कुछ भी तुम कहो तुम्हें मिलेगा जो तुमने कहा है। Think of that. Oh, and perhaps today the great Holy Spirit of God standing here at the altar. You say, well, it don't have to be decorated. It doesn't have to be some great elaborate place. इस पर विचार करो, ओ, और शायद आज परमेश्वर का महान पवित्र आत्मा यहाँ वेदी पर खड़ा है। आप कहते हैं क्या इसे सजा हुआ नहीं होना चाहिए, क्या इसे कोई बड़ा सावधानी से बना हुआ स्थान नहीं होना चाहिए। एक बार याकूब ने पत्थर लिया और उस पर अपना सिर रखा, और आज भी वो रोटी के पत्थर या रोटी की चट्टान के रूप में जाना जाता है, चट्टान। कि इस पृथ्वी के महान मनुष्य अब भी इसे चारों ओर से संभाले हुए हैं, क्योंकि राजा लोग इस पत्थर के ऊपर प्रतिष्ठित किए गए, केवल एक साधारण सी चट्टान जो मैदान में पड़ी थी। बेतेल एक दूसरे के ऊपर रखे हुए पत्थरों का ढेर था, और वो परमेश्वर का घर बन गया, परमेश्वर का निवास स्थान बन गया। याकूब ने कहा ये परमेश्वर के घर को छोड़ और कोई स्थान नहीं हो सकता, वो केवल पत्थरों का ढेर जो कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। The great elaborate thing. It takes the simplicity and faith to believe is what it takes. That's what it takes. इसे कोई महान विशेष निर्मित चीजें नहीं चाहिए, इसके लिए सादगी और भरोसा करने के लिए विश्वास चाहिए, यही इसको बनाता है। Now, knowing that time soon gets away, we're trying not to hold you very long, knowing it's hot and the church is crowded. अब ये जानते हुए कि समय जल्दी बीता जाता है, हम आपको अधिक देर तक नहीं रोके रखने का यत्न करेंगे। जानते हैं कि गर्मी है और आराधनालय भीड़ से भरा है। So I'll speak to you just a few moments this morning on a little subject here that might, I trust it'll be a help to you. इसलिए आज प्रातः मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बोलूंगा इस छोटे विषय पर, जो कि हो सकता है, मेरा विश्वास है कि इससे आपकी सहायता होगी। And now, for leaving home, I wrote down three or four little things. I said I'll wait to see what the Lord would have me to speak on when I got down there. और अब इससे पहले कि मैं घर छोड़ू मैंने तीन चार छोटी छोटी बातें लिखी, और मैंने कहा मैं प्रतीक्षा करूंगा और देखूंगा कि जब मैं वहां जाऊंगा तो प्रभु ने मेरे बोलने के लिए क्या रखा है। I wrote about six little things down here, little subjects, and I wrote one, put it in my pocket like this. मैंने यहां लगभग छह छोटी छोटी बातें लिखी हैं और छोटे छोटे विषय लिख लिए हैं, और मैंने इन्हें लिखकर इस प्रकार से अपनी जेब में रख लिया। मैंने सोचा जब मैं प्रचार मंच पर पहुंचूंगा तो हो सकता है वो मुझे बात करने के लिए कुछ बताएगा, अब मैं ऐसे ही दूर हूं जैसे कि वहां था। इसलिए जो भी है मैं यहां पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा और प्रभु इसे समझने के लिए हमारी सहायता करे। The 14th chapter of St. Luke, and let's begin about the 31st verse of the 14th chapter of St. Luke. हम संत लूका का 14वां अध्याय लगभग 30 से संत लूका का 14वां अध्याय 31वें पद से पढ़ना आरंभ करेंगे। What king going to make war against another king sitteth not down first and consult whether he is able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है
क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? Or else, while he is either is yet a great way off, he sendeth forth an ambassador and desireth conditions of peace. नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा. So likewise, whosoever he be of you. इसी रीति से तुम में से जो कोई. I want you to notice close. मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें. At first he said it's a parable. He said now there's a king coming and he's got 20,000 soldiers. And this king is going to meet him, and he's only got 10,000 soldiers. अब पहले उसने कहा, ये एक दृष्टांत है. उसने कहा, अब एक राजा चला आता है, और उसके पास 20,000 सिपाही हैं, और ये राजा उसका सामना करने जा रहा है, और इसके पास केवल 10,000 सिपाही हैं. So then the first he sits down and asks if he's ready, whether he can do or not. इसलिए पहले वो बैठकर ये जानेगा, यदि वो तैयार है. तो वो इसे कर सकता है या नहीं? All right. Of you who forsaketh not all that he has, he cannot be my disciple. ठीक है. तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता. समझे? May the Lord add his blessings to this word. Now, shall we bow our heads just a moment? अब प्रभु अपने इस वचन पर आशीष दे. अब क्या हम थोड़े समय के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे? Our heavenly Father, thou who knowest all things and regardest not the person of man, for what is man that thou art mindful of him? हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो सारी बातें जानता है और किसी व्यक्ति मनुष्य का पक्ष नहीं करता, क्योंकि मनुष्य क्या है कि तू उसका विचार करे? You made man. He's just like the flower of the field. Today he's beautiful, tomorrow he's cut down, cast into the oven, and he wilts away. तूने मनुष्य को बनाया और वो तो केवल एक मैदान के फूल के समान है. आज वो सुंदर है, कल वो काटा जाता है और भट्टी में डाला जाता है और वो सूख जाता है. And I pray thee, God, to be merciful to us today and let each one take inventory today. और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज हम पर अनुकरणकारी होने पाए कि प्रत्येक अपने आप को जांचे और परखे. We are here as in the house of correction. We're here to learn and know how to live. And let it come forth from thy word today, O eternal God. हम यहाँ सुधार के भवन में हैं. हम यहाँ सीखने के लिए हैं और जानने के लिए कि कैसे जीवित रहें. और होने दे कि ये आज आपके वचन से निकलकर सामने आए. ओ अनंत परमेश्वर, many of thy children have gathered in, and many of them have been your children for years. But in that we all come back to the house of God to learn, to know. तेरे बहुत से बालक यहाँ भीतर इकट्ठा हुए हैं, और बहुत से बालक तेरे वर्षों से हैं, परंतु जैसा कि हम सब परमेश्वर के भवन में आए हैं कि जाने और मालूम करें. I, your servant, desire to know more about you. और मैं आपका दास आपके विषय में अधिक जानने की इच्छा रखता हूँ. And I pray that you'll bring the inspiration of the gospel upon all of us, upon thy servant. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हम सब पर और तेरे दास पर अपने वचन की प्रेरणा लाएंगे. And that your presence in inspiring us to this building will be so great today that we'll leave in our hearts desiring to be better servants of yours, that it will be profitable for us to be here. और तेरी उपस्थिति और हमें इस भवन में से होते हुए प्रेरणा आज इतनी महान होगी कि हमारे हृदय में तेरे और अच्छा दास बनने की इच्छा होगी कि हमारा यहाँ होना लाभकारी हो. ओ मर्सीफुल गॉड, ग्रांट दीज ब्लेसिंग्स इन जीसस नेम, आमेन. ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन आशीषों को यीशु के नाम तेरे पुत्र से हो प्रदान करें, आमीन. अब प्रभु अपने वचन पर आशीष दे जैसा कि हमने पढ़ा है. I want to take a text this morning, at the enticing spirit or the word of God. आज की प्रातः मैं ये मूल पाठ लेना चाहता हूँ,
भरमाने वाली आत्माएं या परमेश्वर का वचन। अब बल्कि एक विचित्र विषय है, परंतु इसका आराधनालय में होना और पिछले बुधवार की रात्रि पिछले रविवार प्रातः मैं सुसमाचार के छोटे से पर बोल रहा था। और पिछली बुधवार रात्रि मैं महिला पर प्रचार कर रहा था जिसके पास उसके माथे पर सिक्के थे या उसने अपने सिक्कों में से एक खो दिया और वो घर में झाड़ू लगा रही थी और इससे पहले कि उसका पति आए वो उसे ढूंढने का यत्न कर रही थी। और हमने ये पाया था कि वो महिला प्राचीन तरह की महिला थी और वो कलीसिया को दर्शाती है। और विवाह का बंधन उंगली में नहीं पहना जाता था और ये चांदी के 9 सिक्कों के साथ माथे पर पहना जाता था। और जब एक महिला वेश्या हो जाती थी तो वे चांदी का एक सिक्का निकाल लिया करते थे और ये दर्शाया जाता था कि वो एक वेश्या है। और इस स्त्री ने अपने सिक्कों में से अपना एक सिक्का खो दिया था। वो वेश्या नहीं थी परंतु उसका पति बाहर गया हुआ था। वो जल्दी जल्दी यत्न कर रही थी कि उस सिक्के को ढूंढ ले कि वापस अपनी लड़ी में लगा ले, क्योंकि जब उसका पति वापस आएगा और जानेगा कि वो वेश्यावृत्ति में पकड़ी गई है और इसका अर्थ ये होगा कि एक परिवार का टूटना और आदि आदि। और इसे मैंने थोड़ी देर के लिए कलीसिया पर लागू किया कि उसने बहुत सी महान चीजें खो दी हैं और ये समय है कि पिता वापस आए, इसलिए हमें उन्हें ढूंढना है। अब कलीसिया और आराधनालय में ये मालूम होते हुए और मैं भरमाने वाली आत्माओं पर बोलना चाह रहा हूँ जिसका वास्तविक शीर्षक प्रेत शास्त्र होगा। इन दिनों में आपने प्रेत आत्माओं के विषय में बहुत कुछ सुना होगा, परंतु आपने इस विषय पर बहुत थोड़ा सुना होगा कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। हम ये जानते हैं कि प्रेत होते हैं, परंतु अगली बात ये है कि इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए। By the grace of God, much opportunity to deal with these things called demons and meeting them at the platform and in daily walk. And I'd like to look into the scripture this morning and find out just what those things are. और अब परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत सौभाग्य मिला कि इन चीजों से जो प्रेत कहलाते हैं वास्ता पड़ा और इनसे मंच पर भेंट हुई और प्रतिदिन के जीवन में और क्यों मैंने इस प्रातः वचन में देखना पसंद किया और मालूम किया कि ये क्या चीजें हैं। अब हमने इसे चंगाई सभा में लागू किया है, सदा चंगाई की ओर। कैंसर, फोड़े, मोतियाबिंद, तपेदिक, ये सारी चीजें प्राकृतिक नहीं है, ये अलौकिक हैं और प्रेत हैं। The scripture plainly vindicates that. But that is demons in the body with growth like cancer. It's got life in it. And the life of that is a demon. वचन स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि परंतु ये शरीर में विकास के साथ प्रेत है, जैसे कि कैंसर में जीवन है और उसका जीवन प्रेत है। Growth of the cataract, the spread of tuberculosis,
and other diseases. It's demons. That's in physical form. मोतियाबिंद का विकास, तपेदिक का फैलना और दूसरे रोग में प्रेत है, ये भौतिक क्षेत्र में है। Now this morning we're going to talk about demons in spiritual form in the soul. They're in the soul as same as they're in the body. अब आज प्रातः हम प्रेतों के विषय में आत्मा में प्राण में बोलने जा रहे हैं। वे जैसे शरीर में होते हैं ठीक वैसे ही वे प्राण में होते हैं। And we're bound to admit that we see them in people's bodies, such as cancers and different diseases that's in the human body. और हम इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि हम इन्हें लोगों के शरीर में देखते हैं, जैसे कि कैंसर और भिन्न भिन्न रोग जो मानव शरीर में होते हैं। Just recently, even cancer has been declared to be a fourth dimension disease. That's in another dimension. Sure, demonology. अभी हाल ही में यहाँ तक कि कैंसर को भी चौथे क्षेत्र यानी आयाम का रोग घोषित किया गया है, जो कि दूसरे क्षेत्र में है। निश्चय ही ये प्रेत शास्त्र है। Every disease is a fourth dimension disease. The beginning of it. आरंभ से ही हर रोग चौथे क्षेत्र का रोग है। Now, but cancer in the body or cancer in the soul. The demon can come in either place. अब परंतु कैंसर शरीर में या कैंसर प्राण में, प्रेत दोनों में से किसी स्थान में आ सकता है। Now, there's many times in many people with good thoughts that. अब बहुत सी बार और बहुत से लोग अच्छे विचारों के साथ कि. And good people who try many times to rest upon some little theology they have or something that they have been taught since a child. And still find that down in their being, down in their soul, that they still have something that's not right. और अच्छे लोग जो कि बहुत सी बार यत्न करते हैं अपनी थोड़ी सी धार्मिक जानकारी के ऊपर निर्भर करते हैं या कुछ ऐसा जो उन्हें बालकपन से सिखाया गया है और अब भी वे अपने अंदर अपने प्राण के अंदर जो उनके पास अब भी है जो कि सही नहीं है। You many are here this morning. Go down wherever you find Christians gathered together. You find people who have those spirits in them that it's undesirable. They don't want them. आज प्रातः आप में से बहुत से यहाँ हैं, कोई संदेह नहीं, जहाँ कहीं भी आप मसीहों को एक साथ इकट्ठा पाएंगे, आप पाएंगे कि वे लोग जिनमें वो आत्मा है, जिसको कि वे उसे वे नहीं चाहते, वे उन्हें पसंद नहीं करते। They say, oh, if I could only quit lying, if I could only quit lusting, if I could only quit this or that. Now that is devils. वे कहते हैं ओ यदि मैं केवल झूठ बोलना छोड़ सकूं, यदि मैं केवल ये कामुकता छोड़ सकूं, यदि मैं ये या वो छोड़ सकूं, अब ये शैतान है। And now they come in the form of religion many times. और अब ये बहुत बार धर्म के रूप में आते हैं। Again, it's Sunday school. It's a time of teaching. So let's look into this. क्योंकि ये संडे स्कूल है, ये शिक्षा देने का समय है, इसलिए हम इस पर ध्यान दें। Now, they come in the form of religion many times. अब ये बहुत सी बार ये धर्म के रूप में आते हैं। Now, in the scripture once there was a man by the name of Jehoshaphat, a great man, a religious man. अब एक बार पवित्र वचन में यशोपात नाम एक व्यक्ति था, वो एक महान और धार्मिक व्यक्ति था। And he went over to another king, which was the king of Israel. और वो दूसरे राजा के पास गया जो कि इसराइल का राजा था। And he, Jehoshaphat being the king of Judah, and he went down to Ahab, the king of Israel, and they got all buckled up together and made an alliance with one another to go fight up at the Ramoth-Gilead. And they did it without first praying. और यहोशोपात यहूदा का राजा होने के कारण और वो आहाब के पास गया और वो दोनों एक साथ मिल गए और उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौता किया कि रमोद गिलाद को लड़ने के लिए जाएं और उन्होंने ये बिना प्रार्थना के किया। Oh, if people could only realize. That's why I come this morning and ask you to remember me as I go overseas. And all things pray. Oh, यदि ये लोग केवल ये अनुभव कर सकें और इस कारण मैं इस प्रातः आया हूँ और आपसे कहा है कि मुझे जब मैं विदेश जाऊं तो स्मरण रखें, सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। Someone came the other day and said, Brother Branham, do you think it's wrong to do a certain thing? एक दिन कोई आया और बोला, भाई ब्रैनम क्या आप सोचते हैं कि कोई विशेष बात को करना गलत है?
I said, what are you questioning about? See? If there's a question in your mind, leave it alone. Don't do it at all. Just stay with that. मैंने कहा, आप इस विषय में क्यों प्रश्न करते हैं? समझे? यदि आपके मस्तिष्क में प्रश्न है तो छोड़ दें और इसे बिल्कुल ना करें, वहीं स्थिर रहें। When you start to do anything, and if it's a question, whether it's right or wrong, stay away from it. Don't go into it at all. Then you know you're right. जब आप कुछ करना आरंभ करें और यदि प्रश्न ये है कि ये गलत है या सही है, तो उससे अलग हो जाएं, उसमें ना जाएं, समझे? तब आप ठीक हैं। Now, all things ought to be considered prayerfully first. अब सबसे पहले सारी बातों पर प्रार्थना से प्रार्थना पूर्वक विचार करना चाहिए। Seeking first the kingdom of God and His righteousness, all these other things will be added. पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो और ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। I am positive sure this morning, if men and women could only get into the position of where their soul, their thinking, their attitude would be perfect in the sight of God, that would be one of the most powerful churches that ever existed. इस प्रातः मैं पूर्ण आशावादी हूँ। यदि पुरुष और महिलाएं केवल अपने प्राण की स्थिति में जहां वे हैं आ जाएं, तो उनके विचार, उनकी मनोस्थिति परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध होगी और वे एक शक्तिशाली कलीसिया होगी, ऐसी जो कभी ना हुई हो। अब कुछ क्षणों के लिए भौतिक पर ध्यान दें। Now, we are, have many times, have for years. We got what we call a lie detector. अब हमारे पास बहुत सी बार, बहुत वर्षों से, जिन्हें हम जो हमारे यहाँ झूठ संसूचक कहते हैं, you can put it on your wrist, set it across your head, and you can get in there and try your best to make a lie sound like the truth, and it'll register negative every time. Because the human was not made to lie. आप उसे अपनी कलाई पर लगा सकते हैं, उनके सिर पर लगाते हैं, और आप उसमें से होते हुए अपने पूरे यत्न से झूठ को सच करके बोलें और हर बार नकारात्मक अंकित करेगा, क्योंकि मनुष्य झूठ बोलने के लिए नहीं बना है। झूठ एक धोखा, कठोर चीज, बुरी चीज है। एक झूठे से तो मेरे साथ एक शराबी किसी भी दिन हो, समझे? एक झूठा। And your body wasn't made to lie. No matter how simple you are, you're still a fallen son of God. और आपका शरीर झूठ बोलने के लिए नहीं बना है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने पापी हैं। आप अब भी परमेश्वर के गिरे हुए पुत्र हैं। The most sinful person in this city today, God didn't intend you to be sinful. He wanted you to be a son or daughter of His. You're made up in His own makeup. आज इस नगर का सबसे पापी मनुष्य परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप पापी हों, वो आपको अपना पुत्र और पुत्री चाहता है, आप उसी के अनुसार बने हैं। But sin has caused you to do that. परंतु पाप आपसे ये करवाता है। And no matter how much you try to impersonate and try to make a lie seem right, they got a scientific instrument that proves that it's wrong. You can tell it with all the innocence you want to, but it'll still register negative. Because there's a subconscious. Down in a human being, that subconscious knows what's truth. और इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी नकल करना चाहें और झूठ को सच के समान दिखाना चाहें। उनके पास वैज्ञानिक यंत्र है जो ये सिद्ध करता है कि ये गलत है। आप सारी निष्कपटता जिससे आप चाहते हैं बता सकते हैं, परंतु वो तब भी नकारात्मक अंकित करेगा। मनुष्य के अंदर एक विवेक होता है और ये विवेक जानता है कि ये सत्य क्या है। And no matter what you're saying out here, that subconscious knows that it's a lie. And it'll register off the subconscious. और इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। ये विवेक जानता है कि ये झूठ है। ये विवेक को अंकित करेगा। Therefore, if a man or a woman could ever get their thoughts and their testimony and their lives so lined up with God, amen. Until the channel of the Holy Spirit will be perfectly one with
इसलिए यदि एक पुरुष या महिला अपने विचारों और अपनी गवाहियों और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ मिला ले, आमीन, जब तक कि पवित्र आत्मा का मार्ग परमेश्वर के साथ एक नहीं हो जाएगा तो क्या घटित होगा? यदि पुरुष और महिला अपने हृदय की स्वतंत्रता के साथ अंदर वाले विश्वास के साथ पंक्तिबद्ध हो जाएं, बहुत से लोग वेदी पर प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं, उनके पास बौद्धिक विश्वास है, वे अपने पापों का अंगीकार करते और ज्ञान वाला विश्वास से कलीसिया में सम्मिलित होते हैं, वे अपने मस्तिष्क में से तो इसका विश्वास करते हैं, वे विश्वास इसका करते हैं क्योंकि उन्होंने इसे सुना है, वे विश्वास करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये एक अच्छी नीति है, परंतु परमेश्वर ये नहीं देखता, वो आपके बौद्धिक विश्वास को नहीं देखता, वो हृदय को देखता है जहाँ अंदर परमेश्वर है, और जब ये हृदय से आता है तो सब कुछ संभव हो जाता है, आपका अपने पापों का अंगीकार आपके जीवन से मेल खाता है, आपका जीवन उतनी ही जोर से बोलता है जैसा आपका पाप का अंगीकार होता है, परंतु जब आपकी पाप स्वीकारोक्ति एक बात कहती है और आपका जीवन कुछ और जीता है तो कहीं पर कुछ गड़बड़ है, ये इसलिए कि आपके पास बौद्धिक विश्वास है और आप हृदय से विश्वास नहीं करते हैं, And that shows that outside here is a knowledge of God, but inside here is a demon, a doubt. और ये दर्शाता है कि यहाँ बाहर तो परमेश्वर का ज्ञान है, परंतु यहाँ भीतर एक संदेह करने वाली दुष्टात्मा है. I believe in divine healing, but it's not for me. See, it could be so, but I don't believe it. मैं दिव्य चंगाई में विश्वास करता हूँ, परंतु ये मेरे लिए नहीं. समझे? ओ. ये ऐसा हो सकता है परंतु मैं विश्वास नहीं करता. समझे? बाहर से तो आप कहते हैं हाँ, अंदर से आपका विवेक कहता है नहीं. वो वही वैज्ञानिक चीज सिद्ध करेगी कि ये ठीक नहीं था, वो इसे सिद्ध करती है. They should have, before Jehoshaphat ever made an alliance with Ahab, he ought to first said, let us pray and see what the will of the Lord is. ध्यान दें, जब ये राजा इससे पहले कि ये आरंभ करते इन्हें चाहिए था, इससे पहले यहोशापात आहाब के साथ संबंध स्थापित करता, उसे पहले कहना चाहिए था, आओ हम प्रार्थना करें और देखें प्रभु की क्या इच्छा है. Give me a preacher. Give me a Christian. Give me a housewife. मुझे एक प्रचारक दो, मुझे एक मसीही दो, मुझे एक घरेलू पत्नी जो विश्वासी हो दो, मुझे एक किसान या फैक्ट्री में कार्य करने वाला दो जो हर चीज में पहले परमेश्वर को रखेगा. मैं आपको दिखा दूंगा कि वो व्यक्ति सारे शैतान लगे होने के बाद भी सफल होगा. वो पहले परमेश्वर से पूछता है. पहले हमें चाहिए कि परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया था. क्योंकि आहाब का एक शानदार राज्य था, उन पर ये बातें छा गई थीं और उसने सारे कार्य किए थे और उसके पास महान शुद्ध करने वाली भट्टियां थीं, उसका सोना और उसकी चांदी बहुत थी. वो एक सफल व्यक्ति था, फिर भी एक अविश्वासी था. And that's where the world is today. That's where
America stands today. That's where the church stands today. और यही है वो जहां आज संसार है, यही है वो जहां अमेरिका खड़ा है, यही है वो जहां आज कलीसियाएं खड़ी हैं। We built some of the best churches we've ever built. We've had some of the best polished scholars we've ever had. हमने कुछ ऐसी सर्वोत्तम कलीसियाएं निर्मित की हैं जो कभी निर्मित नहीं हुई। हमारे पास कुछ बढ़िया ज्ञानियों में से कुछ हैं जो हमारे पास पहले कभी नहीं थे। We've taught some of the best theology and so forth and learned to sing like angels. But yet there's a weakness somewhere. हमने सबसे बढ़िया धार्मिक ज्ञान सिखाया और आदि आदि गाना सिखाया कि स्वर्गदूतों के समान गाएं, परंतु फिर भी कहीं कमी है। There's a weakness because they've gone out after man's doctrine and enticing spirits instead of coming back to the Word of God. कहीं कोई कमी है, ये कमी ही है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन की ओर फिरने के बजाय मानवीय शिक्षा और भरमाने वाली आत्माओं के पीछे हो लिए हैं। They try to make things pattern like the world. They try to put shiny lights over like Hollywood. वे संसार के नमूने पर चीजों के बनवाने का यत्न कर रहे हैं। उन्होंने हॉलीवुड के समान उस पर चमकीला प्रकाश लगाने का यत्न किया है। यहाँ उस दिन प्रसिद्ध नामधारी संस्था के कैनसास नगर में फुल गॉस्पल का क्षेत्र या क्षमा कीजिए कन्वेंशन डेनवर में लाखों डॉलर का आराधनालय भवन बना रहे हैं और हजारों मिशनरी उसी नामधारी से 50 सेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मूर्ति पूजकों में सुसमाचार को ले जाएं। आज हमें किसकी आवश्यकता है? एक मिशनरी विचारधारा परमेश्वर से भेजे पवित्र आत्मा से उत्पन्न बेदारी, उसमें परमेश्वर के लिए जोश होगा कि जंगलों में चले जाएं और परमेश्वर के लिए कुछ करें, बजाय इसके कि बड़े शानदार आराधनालय बनाएं और पड़ोस में बाहरी चमक दिखाने का यत्न करें। मैं तो बल्कि ऐसे उद्देश्य में आराधना करूंगा जहां पर सफाई करके या शराब खाना हो और पवित्र आत्मा की स्वतंत्रता हो और परमेश्वर का प्रेम हृदयों में प्रज्वलित हो जाए, बजाय किसी महान गिरजाघर में बैठूं जो कि हमारे पास संसार में है और मनुष्य की शिक्षा और सिद्धांतों से अपाहिज हो। आज हमें झकझोर देने वाली बेदारी की आवश्यकता है। वापस सत्य पर आए, फिर से परमेश्वर के वचन पर आए। जब वे वहाँ बाहर गए और थोड़े समय के पश्चात एक प्रकार से यहोशापात अपने आपे में आया और बोला, क्या हम ठीक है इस विषय में हम प्रभु से संपर्क करें? उसने कहा ठीक है, अहाब ने किया और उसने 100-400 बढ़िया प्रशिक्षित प्रचारक बुलवा भेजे और वो उन्हें वहाँ लाया और कहा ये सब भविष्यवाणी करने वाले हैं। And they began to call and they said, yes, you belong up in peace. The Lord is with you. और वे अपने विमोहन में चले गए और उन्होंने कहना आरंभ किया और उन्होंने कहा, हाँ तुम शांति से जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। And then, as the almost 400 that give witness that they should go up in peace, yet Jehoshaphat knowing. और तब जब इन सब 400 ने अपनी गवाही दी कि उन्हें शांति से जाना चाहिए, तो भी यहोशापात जानता था। क्या आप इसे समझे? देखिए, इस धर्मी व्यक्ति के हृदय में से
किसी ने कुछ उससे कहा, कहीं पर गड़बड़ है, कोई बात गलत थी। Ahab said, now we got 400 here. And with one accord, every one of them says, go, the Lord is with you. Ahab ने कहा, अब यहाँ हमारे पास 400 एक मत में हैं, और उनमें से हर कोई कहता है, जाओ प्रभु तुम्हारे साथ है। But the house of the said, have you got one more? परंतु यहोशापात ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है? He said, well, what do we need with one more? Have we got 400 of the best educated men in the country? They're all saying go. उसने कहा, हमें एक और की क्या आवश्यकता है? आखिरकार हमारे पास 400 हैं, इस राष्ट्र के सबसे बढ़िया शिक्षित, वे सब कह रहे हैं जाओ। That was intellectual. But down in the house of his heart, he knew there was something wrong. ये ज्ञान था, परंतु यहोशापात हृदय की गहराई में जानता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। Now, he said we got one more. He's Micah. But I hate him. अब उसने कहा, हमारे पास एक और है, वो मिकाया है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। कहा, वो सदा कुछ बुरा कहता है और बनता है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं, और वो कलीसियाओं की भर्त्सना करता है और बहुत कुछ कहा, मैं उससे घृणा करता हूँ। कहा, जाओ बुला लाओ और हम देखें कि वो क्या कहेगा। जब मिकाया आया, उसने कहा, उन्होंने कहा, अब देखो तुम वही बात कहना जो बाकियों ने कही है। उसने कहा, मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर कहता है, आमीन। इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा भविष्यद्वक्ता क्या कहता है और तुम्हारी कलीसिया क्या कहती है और वे क्या कहते हैं, मैं वही कहूंगा जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर मेरे होंठों पर डालेगा और मैं वो ही कहूंगा जो वो कहता है। What we need to say is some more Micah, who will say what God says. आज हमारी क्या आवश्यकता है, बहुत सारे मिकाया जो वही कहें जो परमेश्वर ने कहा है। ध्यान दें, इस प्रकार से वे उसे वहाँ ले गए और उसने कहा, मुझे आज की एक रात्रि दे दो। So that night the Lord made him, and he come back the next morning. When the two kings sat in the gate, he said, go up! He said, go up! He said, I've seen Israelite sheep scattered without a shepherd. इसलिए उस रात्रि प्रभु उससे मिला और वो अगली प्रातः वापस आया जब दो राजा फाटक पर बैठे थे। उसने कहा, जाओ चढ़ जाओ, परंतु कहा, मैंने इसराइल को ऐसे देखा जैसे भेड़ें बिना चरवाहे के बिखर गई हों। So this one preacher, all dressed up, walked up and smacked him in the mouth and said, which way the Spirit of God go? Went out of me. इसलिए ये वाला प्रचारक कपड़ों से सुसज्जित गया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, मुझे छोड़कर परमेश्वर का आत्मा कहाँ चला गया? कहा, जब तू वापस आएगा तो देख लेगा। जी हाँ, उसने कहा, इधर सुन, उसने कहा, हम परमेश्वर के दास हैं, हम 400 हैं और तू अकेला है। परंतु मिकाया ने कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा गड़बड़ी कहाँ है, आमीन। उसने कहा, मैंने एक दर्शन देखा, उसने कहा, मैंने परमेश्वर को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा, मैंने देखा स्वर्ग की सेना उसके चारों ओर घिरी है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन ने इस मनुष्य पर श्राप घोषित कर दिया था जिस प्रकार से इसने किया था। You can't bless what God has cursed. Neither can the devil curse what God has blessed. आप उसे आशीषित नहीं कर सकते जिसे परमेश्वर ने श्रापित ठहराया, जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया उसे शैतान श्रापित नहीं कर सकता। It's an individual prayer, no matter how poor, how stupid, how unlearned, how uneducated. What God blesses is blessed. What God has cursed is cursed.
ये एक व्यक्तिगत मामला है, इससे कोई मतलब नहीं कि कितना निर्धन, कितना मूर्ख, कितना नासमझ, कितना अशिक्षित। जिसे परमेश्वर ने अशिक्षित किया अशिक्षित है, जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया वो श्रापित है। अंतर करना जानता है क्या सही है और क्या गलत है। मिकाया भली भांति जानता था और निश्चित था कि जो उन प्रचारकों के साथ है प्रभु नहीं था। ठीक है, उन प्रचारकों के साथ क्या मामला था? देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्हें सबसे बढ़िया कपड़े पहनाए गए, उन्हें सबसे बढ़िया खाना खिलाया गया। वे अपनी दावतों में एक साथ आए थे और आदि आदि, और उनके समझौते जब तक वे उस स्थिति में नहीं पहुंच गए जहां वे अपने धार्मिक ज्ञान को छोड़ और कुछ नहीं जानते थे। और बाइबल ने बताया कि मिकाया जब वो दर्शन देख रहा था, उसने बताया कि परमेश्वर ने कहा कि हम वहाँ नीचे जाने के लिए किसे ले सकते हैं और आपको बहकाएं। और एक झूठी आत्मा ने कहा, मैं वहाँ नीचे जाकर और आहाब को उन प्रचारकों के द्वारा बहकाऊंगी कि आहाब वहाँ जाए ताकि परमेश्वर का वचन घटित हो। अब आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, अब मुझे ये संडे स्कूल अच्छा लगता है। देखिए, बहुत सारे लोग बहकाने वाली आत्माओं की सुन रहे हैं बजाय परमेश्वर के वचन को लेने के। आत्माएं ये संसार में हैं, वे प्रेत हैं, और वे बाहर विभिन्न स्थानों में जाती हैं और मनुष्यों और सेवकों में समा जाती हैं, वे कलीसिया के सदस्यों में समा जाती हैं, वे भले लोगों में समा जाती हैं। और वे उन्हें निर्देश में लाने का कारण होती हैं, और वे बातें कहते हैं और कार्य करते हैं और शिक्षा देते हैं और बातों का अभ्यास करते हैं जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। आज सेवकगण अपनी सभा के लोगों को कलीसिया में ताश खेलने की अनुमति देते हैं, उनमें से बहुत से हैं। अब ये सारे के सारे कैथोलिक नहीं है, बहुत से प्रोटेस्टेंट ऐसा करते हैं। उन्होंने क्या करने का यत्न किया, उसके बदले में कुछ करने का यत्न करते हैं, वे किसी नई योजना को अपनाने का यत्न करते हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा के स्थान पर शिक्षा को अपनाने का यत्न किया, आप इसे कभी भी करने के योग्य ना होंगे। इससे कोई मतलब नहीं आपका व्यक्ति कितना अच्छा शिक्षित है, मैं सोचता हूँ उसके लिए शिक्षित होना अच्छी बात है, परंतु यदि उसे इससे पवित्र आत्मा न मिले तो उसकी शिक्षा उसकी कोई भलाई नहीं करेगी। शिक्षा कभी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई का स्थान नहीं लेगी। आमीन। ध्यान दें, उन्होंने पुराने समय के अनुभव जो हमारे पास हुआ करते थे उसके स्थान में हाथ मिलाने का तरीका अपनाने की चेष्टा की। आज कलीसिया आधुनिक हो गई है, वे आगे बढ़कर अपना सीधा हाथ संगति के लिए देते हैं
और वे इस प्रकार से करते हैं। But it'll never take the place of the old-fashioned mourner stench, where sinners called out and got right with God. परंतु ये कभी भी शोक मनाने वाले उस पुराने स्थल का स्थान नहीं लेगा जहां पापी बुलाए जाते और परमेश्वर के साथ मिलकर ठीक हो जाते थे। ये ठीक बात है। आज वे परमेश्वर की दहेकी का स्थान लेने का यत्न कर रहे हैं। वे कुछ अपनाने का यत्न कर रहे हैं। वे इसे भिन्न बनाने का यत्न कर रहे हैं। वे जाकर कलीसियाओं में बैंकों खेला करते हैं, लॉटरी खेलते हैं। लॉटरी कभी भी परमेश्वर के दशमांश का स्थान नहीं ले सकती। सांझ की दावतें, कंबल बेचना, पिकनिक, पैसे उगाहना ताकि विभिन्न कर्जे निपटाए जाएं, ये कभी भी परमेश्वर के अनंत दशमांश और चढ़ावे का स्थान नहीं ले सकते। ये कभी नहीं चलेगा। परंतु फिर भी हम ऐसा ही करने का यत्न कर रहे हैं। ये क्या है? ये भरमाने वाली आत्माएं नीचे आ रही हैं और परमेश्वर के वचन के स्थान पर कुछ और दे रही हैं। परमेश्वर के पास उसके वचन के बदले में और कुछ नहीं है। ये सदा के लिए अनंत है। परमेश्वर के पास विश्वास के बदले में कुछ नहीं है। आशा विश्वास का स्थान नहीं ले सकती। विश्वास अकेला ही है। वो अकेला ही स्थिर रहता है। वो कभी भी नहीं लेगा। आशा उसका स्थान कभी नहीं ले सकती। आशा की हुई वस्तुओं का पदार्थ है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण या बल्कि विश्वास, समझे? आशा एक चीज है, विश्वास दूसरी। आशा उसकी आशा करती है, विश्वास के पास होता है। एक बौद्धिक विश्वास और दूसरा परमेश्वर की ओर से सीधा प्रकाशन, वो इसका स्थान नहीं ले सकता। हम यत्न कर रहे हैं परंतु हम इन सब चीजों के बदले में बना रहे हैं। विपरीत इसके कि हम प्रचारकों को भेजें, हम बड़े बड़े आराधनालय बना रहे हैं। ये एक और विकल्प है। यीशु ने कभी भी किसी को आराधनालय बनाने का आदेश नहीं दिया। बाइबल में ऐसा कोई आदेश नहीं था। हमने धार्मिक विद्यालय बनाए, उन्होंने प्रचारकों के स्थान को ले लिया। यीशु ने कभी भी धार्मिक विद्यालय बनाने के लिए नहीं कहा। वे ठीक हैं। शिक्षा उसका स्थान लेने का यत्न कर रही है, ये कभी भी कार्य नहीं करेगी। यीशु का प्राधिकार था कि जाओ सारे जगत में और हर प्राणी को सुसमाचार सुनाओ अंत समय के लिए। इसलिए हमारे सारे विकल्प कभी भी मूल बात का स्थान नहीं ले सकते। उस दिन मुझे विकल्पों का अनुभव हुआ था। पहली बार मेरे दांत में दर्द हुआ था, दांत को उखाड़ना था। आज प्रातः मेरे नकली दांत लगा हुआ है। मैं कठिनता से बात कर सकता हूँ, ये वास्तविक का स्थान नहीं ले सकता। नहीं श्रीमान। आप लकड़ी चाक मिट्टी का बना हुआ मनुष्य ले सकते हैं, उसे कपड़े पहनाएं और उसे पूरी तरह से संवारें। उसके पास भावनाएं विवेक नहीं है,
वो कभी भी वास्तविक मनुष्य का स्थान नहीं ले सकता। ना ही झूठा मत परिवर्तन जो कि बढ़कर कहता है मैं कलीसिया में सम्मिलित हो गया हूँ, मैं अच्छा करने का यत्न करूँगा। ये कभी भी मूल पुराने चलन का परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र आत्मा से मत परिवर्तित जो कि मनुष्य को हृदय से भिन्न बना देता है उसका स्थान नहीं ले सकता। ये इसे नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, उसमें जीवन देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ मैंने एक महान कलाकार को देखा जो ये मूरत लाया था, मेरा अर्थ जिसने मूसा का ये चित्र बनाया। मैं उसका नाम अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, वो यूनानी चित्रकार है, उसका जीवन लग गया। और जब वो उस स्थिति में पहुंचा जहां उसने सोचा ये इतना सिद्ध है, वो मूसा की छवि से इतना रोमांचित हो गया यहाँ तक कि उसके घुटने पर चोट की और कहा मूसा बोल। वो इतना वास्तविक प्रतीत हुआ, वो इतनी समानता, इतना सिद्ध, जब तक कि उसके विचारों में वो मूसा के समान न दिखने लगा जिस पर कि उसने हथौड़े से वार किया ताकि उसमें भावनाएं बन जाए, कलीसिया के मस्तिष्क में डाल दिया। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी अनुकल्पना करते हैं, आपके पास कितनी बढ़िया सभा है, आप कितनी अच्छी तरह से अपने गीत गाते हैं, आपकी सभा कितनी अच्छी वेशभूषा पहनती है, आपके पास कितना ये या वो है, कुछ है, आप घात अनुभव जो कुछ कर सके। वो जीवन का स्थान कभी नहीं लेता जब तक कि मसीह कलीसिया में पवित्र आत्मा के रूप में नीचे नहीं आता और नए जन्म के होने का नया अनुभव नहीं देता। ये कभी भी परमेश्वर के वचन का स्थान नहीं लेगा, परमेश्वर का वचन अकेला ही खड़ा होता है। मिकाया के पास वचन था, वो जानता था कि उसके पास वचन है, उसके पास लिखित वचन था, उसके पास दर्शन के द्वारा भी वचन था। वो जानता था कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा था, वो जानता था कि परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा क्या कहा, वे दोनों एक साथ आए, वो जानता था कि ये सत्य था, इसलिए वो डरा नहीं। परंतु देखिए इस भरमाने वाली आत्मा ने आज क्या किया है, कलीसिया के अधिक सदस्य बनाए, कलीसिया के अच्छे सदस्य बनाए, पुराने चलन के पवित्र आत्मा की शिक्षा को छोड़ो। ये पुरुषों को एक दूसरे के साथ सामाजिक दावतें करने की अनुमति देती है वहाँ नीचे तहखाने में जहाँ वे खेल खेलें। ये ऊपर वाली कोठरी का स्थान कभी नहीं ले सकता जहाँ वे पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसने महिलाओं को अनुमति दी कि एक साथ इकट्ठा होकर चुटकुले सुनाएं और बातें करें और बहुत सी मूर्खताएं करें जिसमें कुछ भी नहीं है, ये प्रार्थना सभा का स्थान नहीं ले सकता। आज जिस प्रकार से स्त्रियां बाहर जाती हैं और वेशभूषा पहनती हैं, ये अशोभनीय है। Said they had sent all their clothes overseas.
That's right. They're walking around in their underclothes. मैंने एक टिप्पणी सुनी जो कि भाई नेविल ने कही. वे निर्धन अमरीकी लोगों ने कहा, उन्होंने अपने सारे कपड़े विदेशों को भेज दिए हैं. ये ठीक बात है, वे अपने अंदर के कपड़ों में घूम रहे हैं. ये ठीक बात है, उन्होंने ये प्रचारकों को दे देने चाहिए, क्योंकि प्रचारक वे लोग और मूर्ति पूजक दूसरे देशों में उन्हें पहन रहे हैं. ये लोग उनके बिना काम चला रहे हैं जैसा वे चाहते हैं. दिख रहे हैं. मैं आपको बताऊंगा कि कुछ है जो भ्रष्ट हो गया, और ये प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार है. ये प्रेत हैं जो आपके कपड़े उतारते हैं. बाइबल में एक व्यक्ति को छोड़ और कोई नहीं हुआ जिसने अपने कपड़े फाड़ कर उतार दिए. वो व्यक्ति था जो कि प्रेत आत्मा से ग्रस्त था. और आज ये हल्के रूप में है, जैसा कि वो सामाजिक है, जैसे कि वो अच्छा है, जैसे कि ये ठीक है. ये ठंडा मौसम है और ये आपको और ठंडा कर देगा यदि आप अपने वस्त्र उतार देंगे. और मनुष्य पीछे आंगनों में ऊपर नीचे चल रहा है और आधा नंगा है, और इसी प्रकार महिलाएं. क्यों आप ये सब कर रहे हैं? फिर और कोई सम्मान नहीं है जैसे कि कुत्तों के लिए एक दूसरे के लिए. क्या मामला है? मैं आपको आघात पहुंचाने का यत्न नहीं कर रहा हूं. मैं केवल ये बताने का यत्न कर रहा हूं कि ये प्रेतग्रस्त हैं, और आप बहकाने वाले आत्मा की सुन रहे हैं. वो आपको बता रही है ये ठीक बात है, परंतु ये झूठ है. गेहूं का एक बीज केवल गेहूं ही को उत्पन्न करेगा. यदि आप मसीही हैं तो फिर आप ऐसा नहीं करेंगे. आप ये नहीं कर सकते. आपके पास तो एक बौद्धिक विश्वास है और कहते हैं, भाई ब्रणम मैं बाइबल का विश्वास करता हूँ. आपका जीवन बताता है कि आप नहीं करते हैं. आमीन. बहकाने वाली आत्माएं परमेश्वर के वचन का विवरण दे रही हैं. मिकाया ने जो किया वो जानता है कि वो कहाँ खड़ा है. उसके पास परमेश्वर का वचन था. वो प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, उसे कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि उसने सत्य बताया, यद्यपि वे इन प्रचारकों को पसंद करते थे. अब दूसरी चीज जो घटित हुई, मैं विश्वास करता और सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसे परमेश्वर का अनुभव हुआ, या एक महिला जो थोड़ी अधिक भावुक होती है, मैं कुछ ऐसा विश्वास करता हूँ. ये ठीक बात है. परंतु जानते हैं कि क्या उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए भावुकता को अपना लिया है? वे बहुत शोर मचाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं है. आप जितना पवित्र जीवित रहें जैसा कि शोर मचा कर रहते हैं, आप ठीक होंगे. निश्चय भावनाएं ठीक हैं, शारीरिक योग थोड़ा लाभ पहुंचाता है. परंतु बहकाने वाली आत्माएं उन होलीनेस समूह के लोगों में के झुंड में घुस जाती हैं, और वे उन्हीं में विश्राम करते हैं क्योंकि वे चिल्ला सकते हैं, या वे नाच सकते हैं क्योंकि वे भावुक बन सकते हैं.
he was right. So he made himself a pair of horns and danced all around and made a big commotion. He was going to push the other Assyrian army out of the country. वो पुराना व्यक्ति सब भविष्यवक्ताओं प्रचारकों का मुखिया वो अपने में इतना निश्चित था कि उसने स्वयं एक सींगों का जोड़ा बनाया और चारों ओर नाचा और एक बड़ी उत्तेजना भड़काई। वो दूसरी सीरियाई सेना को देश से बाहर धकेलने जा रहा था, परंतु ये झूठ था। परमेश्वर के वचन ने भिन्न कहा था। आमीन। ठीक है, आप ठीक भावुक हो सकते हैं यदि आपके पीछे सही प्रकार की भावात्मा है, सही प्रकार की भावुकता आपकी भावना को चला रही है। दाऊद प्रभु के समक्ष नाचा और उसकी पत्नी उस पर हंसी और परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा और कहा, दाऊद तू मेरा मनपसंद मनुष्य है। परंतु उसका उद्देश्य ठीक था, उसके पीछे उसका जीवन ठीक था। इसलिए क्योंकि हम जरा भावुक हो सकते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि आप बच गए। क्योंकि हम कलीसिया में जाते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि हम बच गए। उन भरमाने वाली आत्माओं का विश्वास ना कीजिए। परमेश्वर का वास्तविक आत्मा, परमेश्वर का वास्तविक वचन, परमेश्वर का सत्य है, जो कि परमेश्वर का बीज आपके जीवन में परमेश्वर उत्पन्न करेगा, भक्तिपूर्ण, संतता, पवित्र। हम बहुत से लोगों में जहां हम भावनाएं पाते हैं और आदि आदि, वहां बुड़बुड़ाना, गपशप और चुगलियां, सब प्रकार की अभक्ति बातें हो जाती हैं। भाई ये कलीसिया में गंधक का तेजाब है, ये प्रेत शक्ति है। पुरुषों और महिला की आत्मा जो एक दूसरे से मिलते हैं और पीछा छुड़ाने का यत्न करते हैं, कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है। यदि आप इसका पता लगाएंगे तो 10 में से 9 बार की ये वही व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है जो कि ठीक नहीं है। आमीन। भाइयों की फूट से परमेश्वर घृणा करता है। भक्तिपूर्ण रहें, पवित्र रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, उसके पास खड़े हों। जब तक आप जानते हैं कि आपका जीवन बाइबल से मिला हुआ है, हृदय की शुद्धता, विचार की शुद्धता, अपने भाई की ओर प्रेम, अपने पूरे यत्न से परमेश्वर के राज्य को बनाना, और उन कार्यों को करना, सही वस्त्र पहनना, सही जीवन, सही वार्तालाप, ठीक स्थानों पर जाना, तब आप वो सारी भावनाएं पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और हर कोई इसका विश्वास करेगा। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वो किसी काम का नहीं कि बाहर फेंका जाए और पैरों तले रौंदा जाए। यदि आप केवल नमक हैं, तो ये कुछ अच्छा नहीं, परंतु यदि आप में नमकीनपन है, आप नमकीन हैं और संसार प्यासा होगा, आप नमकीन बनिए, वे प्यासे होंगे। बहकाने वाली आत्माएं जा रही हैं, प्रेत रूप बदलकर। देखिए, हम अंत के दिनों में हैं, हम अंत समय में हैं। Like a sore ball somewhere. That's going to explode.
संसार अपनी चोटी पर आने के लिए लगभग तैयार है, जैसे कि कहीं छाला हो जो कि इन्हीं किन्हीं दिनों में फटने वाला हो और अंदर का भाग उसमें से निकलने को है। ये अश्लील हो गया, इसे कोई मल्हम चंगा नहीं कर सकता। उन्होंने सीरम को त्याग दिया, उन्होंने चिकित्सा को त्याग दिया है। आप एक उभरते हुए फोड़े को लें और यदि आप पेंसिलिन या कुछ और उसे चंगा करने के लिए ना लें या कुछ और, तो ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो फट ना जाए। यही वो है जो संसार ने किया है। ये अधिक समय नहीं हुआ कि नीचे होना आरंभ हो गया। वे उस बड़ी महान विचारधारा से हट गए और झूठी आत्माएं अंदर आ गईं और लोगों को ये या वो या कुछ भी बताने लगी। हम 900 विभिन्न मतों में बट गए, प्रत्येक एक भिन्न दृष्टिकोण के साथ। वे कहते हैं हम इसका विश्वास करते हैं, समय काल हम केवल इतना विश्वास करते हैं। वे पवित्र आत्मा को भीतर नहीं आने देते हैं, वे सही मार्ग नहीं ले सकते। परमेश्वर ने एक झुंड लिया जो चिल्ला सकता था, तो हर किसी को चिल्लाना पड़ा। उनके पास कुछ थे जो अन्य भाषा बोल सकते थे, तब हर किसी को अन्य भाषा बोलनी पड़ी थी। वे सब इस प्रकार के हो गए जब तक हम पूर्णतः क्या बहकाने वाली आत्माओं से दूषित ना हो गए। भरमाए हुए लोगों को ये भावुकताएं करने के लिए, जबकि इसमें परमेश्वर कहीं नहीं है। तब वे बाहर जाते हैं और किसी भी प्रकार का जीवन जो वो चाहते हैं जीते हैं और इसे मसीहत कहते हैं। और संसार बैठता है और देखता है और कहता है, ठीक है, वहाँ देखो, मैं भी उतना अच्छा हूँ जितने वे हैं। जैसा कि मैंने उस रात्रि सुवर्णी के लिए कहा, पापी के विषय में आप दोष नहीं लगा सकते, एक पापी पापी ही है। उसे सुधारने का यत्न ना करें, उसे ये वो या और कुछ मत बताओ, वो आरंभ से ही पापी है, वो आरंभ से ही सुअर है, वो कोई भी अंतर नहीं समझता। यदि वो सिनेमा जाता है और रविवार को जाता है और वो गेंद खेलने जाता है और वो सारी चीजें करता है, वो आरंभ से पापी है। उसका स्वभाव सुअरनी के समान है, पुरानी सुअरनी अपनी नाक खाद के ढेर में घुसाती है और उसमें से सब अनाज के दाने खाती है और हर चीज ठीक है। वो एक सुअरनी है, आप उस पर दोष नहीं लगा सकते, वो एक सुअरनी है। और इसी प्रकार पापियों के साथ है, परंतु जब आप स्वयं को मसीह कहते हैं और उसके साथ अपनी नाक लगाकर घुसाते हैं, तो आप उससे भले नहीं हैं, परंतु आप बुरे हैं। उसमें से निकल आए, संसार से निकलें, निकलें, परमेश्वर को होने दें। जाने दें, आप कैसे छोड़ें? आज बहुत सारे लोग चकित हो रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है भाई ब्रणम, आप कैसे छोड़ें? मैं जानता हूं कि इस पर आपने बहुत सा धर्म ज्ञान सुना है, जाने दो। बहुत सारे लोग यत्न में पसीना निकाल लेते हैं, छोड़ने का यत्न करते हैं।
बहुत से लोग आकर कहते हैं मैं 40 दिन का उपवास करने वाला था ताकि मैं कुछ कर सकूं। You don't need a 40-day fast. You need to let go of the world and all these devilish things and take God's word in your heart. आपको 40 दिन के उपवास की आवश्यकता नहीं, आपको आवश्यकता है कि संसार से और इन सारी शैतानी चीजों से अलग हो जाएं और परमेश्वर का वचन अपने हृदय में लें। आपको सीखना होगा कि इसे कैसे करें। आप इसे ऊपर नीचे कूद कर नहीं करते, नहीं आप 40 दिन का उपवास रखकर करते हैं, आप इसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समर्पित हृदय से करते हैं। एक छोटे बालक के समान, वहाँ पीछे मैंने अपने छोटे बालक पर ध्यान दिया कि आज प्रातः उसकी माँ उसे छोटी जैकेट पहनाने का यत्न कर रही थी। वो अपना छोटा हाथ आस्तीन में डालना चाहता था, वो अपना हाथ उसमें न डाल सका। वो नहीं जानता कि कैसे आपको उसके छोटे हाथ को मार्ग पर लाना होगा। वो अपना हाथ उसमें डालना चाहता है परंतु वो केवल चारों ओर घूमकर यत्न कर रहा है। वो अपनी आस्तीन तक नहीं पहुंच पाता, वो जानता है कि वो आस्तीन में नहीं है। ऐसे ही आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं हैं, जब आप अब भी चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और हर कार्य कर रहे हैं। आप परमेश्वर के साथ ठीक हो ही नहीं सकते। मैं चिंता नहीं करता आप कितनी कलीसियाओं से संबंध रखते हैं, जब तक आपका प्राण का मत परिवर्तन नहीं हो जाता। भाई ये पुराना चलन है, परंतु ये उफनना कम हो जाएगा और आपके प्राण में रस डाल देगा। ठीक है, अपना हाथ डालने का यत्न करता है, उसका कोई सीधा मार्गदर्शन करे कि अपना हाथ कैसे अंदर डाले। तब जब उसका हाथ उसकी छोटी जैकेट में चला जाता है तो वो जानता है कि अब वो ठीक है। हर नया जन्म पाए मसीह के साथ इसी प्रकार होता है। जब वो वास्तव में परमेश्वर में होता है तो वो अपने जीवन को परमेश्वर के साथ देखता है और वो अनुभव करता है कि वो उसके प्रत्येक बिंदु के साथ मेल खाता है। उसके पास धैर्य, सुशीलपन, निश्चलता, नम्रता, सामर्थ, विश्वास, प्रेम, आनंद, शांति होती है। वो अशांत समुद्र के समान हिलकोरे नहीं खाता, वो छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करता, वो बोतल की डांट की तरह उछलने वाले समुद्र में इधर उधर नहीं कूदता। वो स्थिर है, उसका हृदय निर्मल है, उसके विचार निर्मल हैं, उसके इरादे निर्मल हैं, उसके विकल्प ठीक हैं। और वो जानता है कि वो परमेश्वर के वचन के साथ एक सीध में है, सारा नरक उसे हिला नहीं सकता, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सीधी रेखा में है। उसके पास दिव्य प्रेम, उसके हृदय में शुद्धता हर पुरुष और महिला के लिए है। वो संसार की वस्तुओं से परे है, वे उसके लिए मृत हैं, वो उन्हें अब और अधिक नहीं चाहता। क्यों आप उसे एक पवित्र आत्मा की लड़की नहीं बना सके जिसने अभक्ति दिखने वाले वस्त्रों को पहन रखा है और बाहर बिना किसी मतलब के है? नहीं श्रीमान, अब इसकी आवश्यकता नहीं कि जाकर उसे बताएं कि वो गलत है,
क्योंकि वो आपका विश्वास नहीं करेगी, वो इतना ही जानती है, यही उसका आनंद है। वो स्त्री उन छोटी छोटी चीजों को पहनती है कि सांझ को बाहर निकले, ठीक जब उनके पुरुष वापस घर आते हैं सरकार और कहते हैं मैदान की घास काटो इसलिए, और मुझे बताएं कि क्या ठीक है। महिला, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि आप बुरी हैं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप अनैतिक हैं, परंतु बहन आप अनुभव नहीं करती हैं कि एक अशुद्ध आत्मा ने आपके ऊपर अधिकार कर रखा है। आप इसके लिए क्या करेंगी? आपके पास इतनी चेतना है कि जाने ये ठंडा नहीं ये गर्म है। वहाँ एक अशुद्ध आत्मा है। आप कहते हैं मुझे मैं आराधना ले जाती हूँ। नबूकदनज़र एक महान मनुष्य था, परंतु क्योंकि वो एक अभिमानी हो गया, परमेश्वर ने उसे एक बैल की आत्मा दे दी और उसे 7 वर्ष तक घास खाने दी, और उसकी उंगलियों के नाखून कुछ इन्हीं स्त्रियों के समान बढ़ गए। जो स्त्रियां यहाँ आसपास में ऐसा करती हैं, ये ठीक बात है, और वो प्रेतग्रस्त हो गया। एक मनुष्य प्रेतग्रस्त हुआ और अपने कपड़े उतार दिए, वे उसे वस्त्र नहीं पहना सके। क्या आप समझे मेरा क्या अर्थ है? ये एक भरमाने वाली आत्माएं हैं। आपकी कलीसिया इसी में है। आपका प्रचारक कुछ भी कहने से डरता है, डरता है कि आप आगे को दशमांश नहीं देंगे। यही कारण है, यही परेशानी है। कैसी बात है, आप बाजों के झुंड को कैसे प्रचार कर सकते हैं जब तक कि आप उनका मत परिवर्तन ना कर दें और आरंभ से ही परमेश्वर के साथ ठीक ना बना लें। वे अपनी चोंच को हर समय मृत वस्तु में घुसाएंगे। आपको आवश्यकता क्या है कि पुराने चलन की बेदारी एक से दूसरे किनारे तक चली जाए और पुरुष और महिलाएं परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं। आइए संसार की बातों को छोड़ दें और चिकने चुपड़े प्रचार को छोड़ दें। आमीन। सुसमाचार प्रचार करें, परमेश्वर ने यही कहा है। यदि आप संसार से प्रेम रखते हैं या संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। लोग ऊपर नीचे कूद सकते हैं और सारी रात्रि चिल्ला और अन्य भाषा बोल सकते हैं जैसे टीन खड़खड़ाता हो, और दूसरे दिन प्रातः निकलकर गुस्से में लड़ाई बुराई करते हैं। सीधे बाहर जाकर और कलीसिया में कुछ बताते हैं जिससे कि कलीसियाएं टूट जाती हैं। ये संसार में कुछ नहीं, केवल बहकाने वाली प्रेत आत्माएं हैं। वापस वचन पर आना चाहते हैं जहां परमेश्वर शुद्धता पवित्र है। आमीन। ये ठीक बात है। बहकाने वाली आत्माएं परमेश्वर के वचन को दोहराती हैं। यहाँ अधिक समय नहीं हुआ कि एक व्यक्ति ने एक साधारण सी महिला को लिया। वहाँ कैथोलिकों में ऐसी दर्जनों हैं। उसके रजो निवृत्ति के समय ये उसके हाथों और माथे पर आ गया। Man had a bottle of that stuff out of her hand, going around anointing people with it.
यदि एक अच्छा पवित्र आत्मा से भरा प्रचारक, मैं सोचता हूँ उस व्यक्ति के पास उस चीज से भरी बोतल थी जो उसके हाथों से निकला, चारों ओर लोगों को उसे अभिषेक करता फिर रहा था। छी, अनुग्रह, ये मसीह विरोधी है। मैं चिंता नहीं करता कि लहू उसकी नाक से या सिर से या कहां से निकला। भाई, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू का स्थान और कोई नहीं ले सकता। केवल वही लहू है जिसके विषय में कोई बात जानता हूँ। वो अपने एक हाथ से तेल डालती है और दूसरे से दाखरस, परंतु यदि आप इसे किसी भी रूप में धार्मिक करके उपयोग करते हैं तो ये शैतान है। ये देख कर कि कैसे प्रचारक इस प्रकार की चीज में गिरेंगे जैसे कि ये है। हमें किस बात की आवश्यकता है कि हम वापस मार्गदर्शक की पुस्तक पर आएं, वापस परमेश्वर के वचन पर। ये पुरानी आशीषित बाइबल, ये परमेश्वर का वचन है। कहते हैं भाई बर्नम, मैं ऐसा करने में डरता हूँ, मुझे भय है कि मैं अपना आनंद खो दूंगा। क्या मामला है? आप नहीं जानते कि आनंद क्या है। मैंने कहा है कि मैं शराबी को उसके पिए जाने के लिए बाहर जाकर पी लेता है दोषी नहीं ठहराता। वो तो सब उसका स्वभाव है, वो नहीं जानता। वो प्रातः उठता है, उसका सिर भारी हो जाता है। बाहर जाता है, अपने लिए दो या तीन बोतलें बियर की लेता है और जाकर कुछ विस्की और इस प्रकार की चीजें लेता है। और इस सिगरेट में पीछे बैठकर कश लगाता है और धूम्रपान करता और अपनी नाक से ऐसे धुआं निकालता है जैसे कि मालगाड़ी हो। बस यही है, मैं उस पर दोष नहीं लगाता। वो इसी आनंद को जानता है, वो केवल इतना ही जानता है, वो स्वभाव से सुअर है। लज्जा की बात है जो अपने को मसीह कहते हैं और आनंद के लिए ऐसी चीजों पर निर्भर करते हैं, जबकि पवित्र आत्मा का सुसमाचार कुछ नहीं परंतु एक महान बड़ा आनंद का शक्ति का स्रोत है। पवित्र आत्मा का सुसमाचार हर व्यक्ति के लिए एक सिद्ध उन्माद है जो दुखी अवस्था में हो। आप यीशु मसीह के सुसमाचार का एक पेय पिएंगे और पवित्र आत्मा से भर गए तो आप जब तक यहाँ इस संसार को ना छोड़ेंगे आप मतवाले रहेंगे। आमीन। ना बता सकने वाला आनंद और महिमा से परिपूर्ण। एक निरंतर उत्तेजना, ये निरंतर एक आनंद, दिन रात मतवाला। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। कलीसिया आती है और दूसरी बातें ग्रहण करती है। उन्हें बाहर जाकर समुद्र के किनारे जाकर एक दावत करनी है कि मनोरंजन कर सकें। एक साथ मिलकर संगति के लिए ताश, ये ठीक बात है। कभी कभी किसी सदस्य के घर नाच, कभी कभी आराधनालय के नीचे तहखाने में। नाच को अपनाकर कुछ अपने को संतुष्ट करने का प्रयास। क्या मामला है? वे जो भी हैं सुअरों का एक बड़ा झुंड है, वे आरंभ से ही सुअर हैं।
यदि वे कभी भी मसीह के संपर्क में आए तो उनको इतना आनंद होगा कि वे बातें उनके लिए अर्धरात्रि से भी अधिक मृत होंगी। सुसमाचार आत्मा से पिया गया एक ना प्रकट कर सकने वाला और महिमा से भरा हुआ आनंद है। पापी को दोषी न ठहराओ, उस पर दया करो, उसे जाकर उसका धूम्रपान करने दो, उसे अपनी शराब पीने दो, उसे अपनी ताश की टोली में होने दो, यही उसका आनंद है, उसे दोष न दें। घर वापस थकी मांदी अवस्था में आता है, वो कुछ आनंद करना चाहता है। और वो चीज जो आपके करने के लिए है कि ऐसा भक्तिपूर्ण जीवन जिए ताकि आप उसे ये सिद्ध कर सकें कि सुसमाचार उसके लिए अपने में 10,000 गुना अधिक आनंद रखता है। और यदि वो उस अवस्था में मर जाता है तो वो अपनी शराब के आधार पर नरक में जाता है, ये शैतान का आनंद है। यदि वो उस पुराने तंबाकू के पाइप को पीते हुए मरता है तो परमेश्वर उसका न्यायी है। यदि वो बाहर जाकर नाचते हुए और अश्लील वस्त्र पहनकर इधर उधर घूमते हुए मर जाता है तो परमेश्वर उसका न्यायी है। परंतु एक बात है, यदि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक की सामर्थ में जैसे स्तफनुस मरा आप मरते हैं, जब उसने ऊपर परमेश्वर के मुख को देखा और कहा मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और यीशु दाहिनी ओर खड़ा है, आप स्वर्ग से बंधे हैं जैसे मार्टिन अपने बॉक्स से। आमीन। भरमाने वाली आत्माएं परमेश्वर के वचन को दोहराती हैं। छोड़ दो और चले। भाई ब्रनम आप इसे कैसे करते हैं? चलिए चलें, आपको केवल यही करना है। परमेश्वर के वचन को ले, किसी चीज को करने का यत्न ना करें। वेदी पर जाकर सर पटकने और चिल्लाने ना जाएं, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दें, ये वेदी पर हाथ पैर पटकने से आपके पास नहीं आएगा, इससे कुछ लाभ ना होगा। नहीं, वो इस प्रकार से नहीं आता, ये उसको उसके वचन के आधार पर लेने से आता है। पतरस को देखिए, पतरस संकट में था, प्रतीत हो रहा था कि वो मरने जा रहा है और उसने प्रभु को पानी पर चलकर आते देखा और उसने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे आने को कह। प्रभु ने कहा आजा। अब पतरस कहता है अब प्रभु एक मिनट प्रतीक्षा करो, मुझे 40 दिन के उपवास पर जाने दे ताकि देखूं कि क्या मैं पानी पर चल सकता हूं कि नहीं। ओ प्रभु मुझ पर इतना आत्मा आ जाए ताकि मैं इस नाव में आत्मा में नाच सकूं और अन्य भाषा में बोल सकूं, तब मैं बाहर निकल सकता हूं। नहीं श्रीमान, उसने परमेश्वर को उसके वचन पर लिया, तोड़ दें और निकल चलें, परमेश्वर निकाल ले जाएगा। क्या होता यदि परमेश्वर मूसा से मिलता और कहता मूसा मिस्र में जाओ और फिरौन को बताओ और मेरे लोगों को जाने दो। क्या हो यदि मूसा कहता मुझे 40 दिन के उपवास पर जाने दे कि देखूं कि मुझे इतना विश्वास मिले कि मैं तुझ परमेश्वर की बात का पालन करूं।
मुझे कुछ और दे प्रभु, मैं आपको बताऊं, पहले मैं देखूं यदि मैं आत्मा में आ जाऊं। मूसा ने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, उसने केवल परमेश्वर को उसके वचन पर लिया और चल दिया। इसी प्रकार से आपको करना है, परमेश्वर को उसके वचन पर लें, तब आप जानते हैं कि आप इसे करने के योग्य होंगे। उसने प्रतीक्षा नहीं की कि जब तक कि कुछ ना हो जाए, वो केवल आगे बढ़ा और उसे कर दिया। एलिया के विषय में क्या है, जब वो कार्मेल पर्वत पर से उतरा, क्या वो वहाँ लंबे समय तक रहा और वो एक निर्धन विधवा से मिला? वो एक परदेशी थी, एक अन्य जाति। और जब वो वहाँ उससे मिला तो वो वहाँ मैदान में कुछ लकड़ियाँ बीन रही थी और परमेश्वर ने उसे बताया, वहाँ उस विधवा के घर में जा। प्रचारक के जाने के लिए क्या ही स्थान है। तब वो उस विधवा के घर में जाता है और जब उसने लकड़ी बीनी, उसके पास दो लकड़ियाँ थी। कहा, तू क्या कर रही है? बोली, कुछ लकड़ियाँ बीन रही हूँ, मेरे पास इतना ही आटा है कि दो एक रोटी बनाऊं, बस इतना ही बचा है, पिछले 3 वर्षों से कोई वर्षा नहीं हुई है। और कहा, अब तो मैं ये रोटियां बनाने जा रही हूँ और मैं और मेरा लड़का इन्हें खाकर मर जाएंगे। उसने कहा, पहले मेरे लिए एक बना। हालेलुया। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा उत्तेजित हूँ, परंतु मैं जो भी हूँ प्रभु की ओर हूँ। कहा, पहले मेरे लिए एक बना, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है। आप यही इसी स्थान पर हैं। ये क्या है? पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य की खोज दबी इच्छा से नहीं, परमेश्वर के राज्य की खोज एक थोड़ी भावुकता से, न कि परमेश्वर के राज्य की खोज और थोड़ा ये और वो। परंतु पहले परमेश्वर और उसकी धार्मिकता और ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, पहले उसे रखो। अब उस विधवा ने ये सुन रखा था, विश्वास सुनने से आता है और सुनना उसके वचन से। उसने कहा, ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र जन है, ये परमेश्वर का भविष्य रखता है और मैं जानता हूँ कि ये सत्य है, ये परमेश्वर का वचन है। अब वो पड़ोसियों के पास ये पूछने को नहीं भागी कि इसे कैसे करूँ। अब वो पड़ोसियों के साथ नहीं करना चाहती थी कि पड़ोसियों को बताए, कहे, अब आप लोग क्या सोचते हैं, प्रचारक मेरे घर पे है और ये कह रहा है, सुसी तुम इस विषय में क्या सोचती हो? वो भीतर गई और पलटना आरंभ कर दिया, वो चल पड़ी और जो कुछ भी उसके पास था उसी के साथ चल पड़ी ताकि और पाए। और आज संसार को इसी की आवश्यकता है, एक पुराने चलन का, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में बढ़ चलो। हालेलुया। उसने पलट दिया ताकि वो भरा हुआ पा सके। उसने सारा तेल जो उसके पास था पलट दिया, सारा आटा जो उसके पास था प्रचारक को, परमेश्वर के राज्य को।
And when she's dumped it all in there, God come down, filled up the meal barrel, filled up the oil jug. और जब उसने सारा वहाँ पलट दिया, परमेश्वर उतर आया, आटे के बर्तन को भर दिया, तेल की कुप्पी को भर दिया. He dumped it again in the preacher's face, and come down, fill it up again. उसने फिर प्रचारक के प्लेट में पलटा और उसने आकर फिर उसे भर दिया. उसने हर बार पलटा, हर बार भर दिया. आज मैं कहूंगा यदि मनुष्य वो सब अर्थहीन जो वो लिए फिर रहा है पलट देगा और मसीहत की नकल करना और पवित्र आत्मा इसका स्थान ले ले तो इस आठवीं पेन गली में बेदारी आरंभ हो जाएगी. ये इस सारे राष्ट्र को आसानी से जीत लेगी. अर्थहीन बातें छोड़ दें, परमेश्वर के वचन पर वापस आ जाएं, सब उंडेल दें ताकि आपको भरा जा सके. You dump out, God will fill in. आप बढ़ें और परमेश्वर आने देगा. आप उंडेल दो, परमेश्वर अंदर भर देगा. All the petty things, you got to do this, you got to do that, you ought to do this, you ought to do that. Forget it. Dump it out of your soul. सारी बेकार बातें, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, इसे भूल जाएं. अपने प्राणों में से उंडेल दीजिए. Let me from this holy, this day be holy thine. कहे परमेश्वर मुझे इस सब में से आज के दिन मैं पूर्णतः तेरा हूँ. Lord, I come with a broken heart. I come with a contrite spirit. I love you. You know I love you. प्रभु मैं टूटे हुए हृदय के साथ आता हूँ. मैं पश्चाताप की आत्मा के साथ आता हूँ. मैं आपसे प्रेम करता हूँ. आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ. And I want to forget all this foolishness of all these 40-day fasts, see if I can get closer to God and all this, that, the other, all this nonsense. और मैं ये सारी मूर्खताएं भूल जाना चाहता हूँ, ये सारे 40 दिन के उपवास, और देखूँ यदि हो सके तो मैं परमेश्वर के समीप आ जाऊँ, और ये सब वो दूसरी अर्थहीन बातें. Stop it! There's nothing in the world tells you to have a 40-day fast. Not a thing. इसे रोक दें. वचन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको 40 दिन का उपवास रखने को कहता हो. एक भी चीज नहीं. Nothing will tell you to fast, but God will tell you. संसार में कोई चीज आपको उपवास रखने के लिए नहीं कहती जब तक परमेश्वर ना कहे. If you fast, you ain't gonna get hungry. Go all these things as you're fasting, brother, you'll be joy and happy all the time. यदि आप उपवास रखते हैं तो आपको भूख नहीं लगेगी और ये सारी चीजें करें. भाई जैसा कि आप उपवास रखते हैं आप सारे समय आनंदित और प्रसन्न रहेंगे. Don't appear before me like hypocrites do with a long, sad face. I'm only 40 days past, my plate won't fit me anymore. I've lost 30 pounds, and they told me I look better after this is over. Oh, nonsense, it's enticing spirits of the devil. कहा है कि मनुष्यों के सामने अपने को ढोंगियों के समान प्रकट ना करो. मुरझाया हुआ चेहरा, मैं 40 दिन के उपवास पर हूँ. मेरी कमर में पैंट अब सही फिट नहीं आएगी. मैं 30 पाउंड घट गया. और उन्होंने कहा है जब ये समाप्त हो जाएगा तो तुम अच्छे दिखोगे. ओ अर्थहीन, ये शैतान की बहकाने वाली आत्मा है. वेदी पर जाओ और कहें महिमा महिमा महिमा, और जब तक कि आप कुछ और बोलने योग्य न रह जाएं, और कहा इससे पहले कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिले तुम्हें अन्य भाषा में बोलना है. बेकार की बात है, उससे बाहर निकाल दीजिए. उसे अपने तंत्र मंत्र से बाहर निकाल दें और परमेश्वर के वचन पर आ जाएं. उसने कहा तुम में से प्रत्येक प्राश्चित करे और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. परमेश्वर अपने वचन को पूरा नहीं करता है तो वो परमेश्वर नहीं है. आमीन. Amen. I love that. That's His word. God said so. That's right. बाहर फेंक दो, भर जाओ. आमीन. ओ मुझे ये पसंद है, ये उसका वचन है. परमेश्वर ने ऐसा कहा, ये ठीक बात है. And when God said it, I'll take care of it. All right. और जब परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो परमेश्वर इस बात की चिंता करेगा. ठीक बात है. All the preparations you make. All the going to church you do.
सारी तैयारियां जो आप करते हैं, ये सारा कि कलीसिया में जाना जो करते हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार से है जहाँ पर वे ढेर सारे माल ढोने के लिए बड़े बड़े बॉक्स बनाते हैं या बड़े ढेर सारे सवारी के डिब्बे, मैं वहाँ कार्य किया करता था। और वे लेकर वहाँ बड़े बड़े यान बनाया करते थे और बहुत कुछ कठोर लकड़ी लगाते और उसके चारों ओर भीतरी अस्तर लगाते और हर चीज सुंदर ढंग से वहाँ रेल की पटरी पर ले आते और वो ऐसे ही मृत होते जैसे दरवाजे की कील। उसमें इंजन बैठाते, उसमें कोई भाप ना होती थी, वो बस वहाँ लगा होता। आज उसे किस चीज की आवश्यकता है? बॉयलर में थोड़ी सी आग। आज किस चीज की आवश्यकता है? थोड़ी सी भाप। आज कलीसिया को किस चीज की आवश्यकता है कि खोले? सबसे अधिक खोलने की वस्तु क्या है कि पाप को उबाल कर अपने जीवन से बाहर निकाल दे, वो प्रेम है। यदि आप एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा? प्रेम पाप के ढेर को छिपा देता है। परमेश्वर से प्रेम कर लें, तब आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तब आप कलीसिया से प्रेम करेंगे, आप हर वातावरण से प्रेम करेंगे, आप हर चीज से प्रेम करेंगे जो परमेश्वर से है और आप संसार की वस्तुओं से अलग रहेंगे। भरमाने वाली आत्माएं चारों ओर लोगों को घूम घूम कर बता रही हैं, या दूसरी उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है। नामधारी कलीसियाएं बनने का यही कारण है और वे कहते हैं उन्हें थोड़ा सा प्रकाशन मिला है। ठीक है, अब जब मैं विश्वास करता हूँ कि वो मनुष्य, मैं ऐसी बात में विश्वास करता हूँ जैसे कि बाइबल में चिल्लाना है। ये ठीक है, ये सत्य है, उन्होंने इसमें से नामधारी कलीसिया बना ली। जब आप चिल्लाते हैं तो आपको मिल गया, परंतु आपको नहीं मिला। अगला वाला उठकर कहता है, कहा अन्य भाषाएं बोलो, ये ठीक है, ये बाइबल में है। भाई जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं तो आपको मिल गया, परंतु बहुत सो ने अन्य भाषाएं बोली और उनके पास नहीं है, समझे? ये वो नहीं है, नहीं श्रीमान। उनमें से बहुत से कहते हैं ठीक है, हमें भी भविष्यवाणी करनी है। इन भविष्यवक्ताओं को देखिए, उनके सिरों पर सींग हैं, ऊपर नीचे कूद रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। मिकाया ने कहा तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। आमीन, ठीक है। परमेश्वर इस प्रकार नहीं आता, परमेश्वर निष्कपट हृदय में प्राश्चित टूटे आत्मा के साथ आता है। वो जो आंसू बोता हुआ बढ़ता है निसंदेह आनंद के साथ फिर वापस आता है अपने साथ मूल्यवान पूले। आमीन, मित्रों इसे ठीक कर लो। प्रेत विज्ञान, प्रेत मनुष्य के प्राणों में कार्य कर रहे हैं। देखिए उनके फल कहाँ लगते हैं, ध्यान दें, व्यक्ति किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है, देखिए वे कैसे कार्य कर रहे हैं, देखिए जैसा वे करते हैं, देखिए उनके उद्देश्य क्या है। ये बिल्कुल असंभव है। और यदि मैं आपको बताऊं कि केवल एक मार्ग, यहाँ सारे यान लाइन में है, चार्ल्स टाउन में स्वर्ग है, आप चल नहीं सकते, केवल एक विधि है
कि आप जाएं, वो कार है. और हर व्यक्ति जो पंक्ति के पार जाता है उसे 5 गैलन तेल लेना चाहिए. यहाँ उसकी कार है, परंतु यदि उसके पास तेल नहीं तो वो उसे चला नहीं सकता. यही बिल्कुल ठीक सिद्ध मार्ग स्वर्ग में है. यदि आप परमेश्वर के बिना मर जाते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि आपने कैसा जीवन व्यतीत किया और आपने कितनी कारें बनाई. यदि आप में परमेश्वर का प्रेम नहीं कि आपको परमेश्वर के राज्य में खींच ले तो आप नष्ट हो गए. वहाँ एक ऋणात्मक और धनात्मक है. इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ कितनी धनात्मक बिजली बह रही है. यदि इसमें पृथ्वी में जाने वाली तार नहीं है तो ये उजाला कभी नहीं देगी. ये ठीक बात है. आपको परमेश्वर के प्रेम के आधार में होकर ही निकलना है. ओ भाई, उन ऋणात्मक और धनात्मक को एक साथ लाएं. आपके पास ज्योति होगी, पुराने चलन की सुसमाचार की ज्योति. हम इसे एक से दूसरे किनारे तक फैला दें. इसके बिना आपके पास कभी ना होगी. इससे कोई मतलब नहीं कि कितना हिलना कूदना आप बिना धनात्मक के साथ कर सकते हैं. आपके पास भूमि में से एक तार होना चाहिए कि ज्योति जल सके. आमीन. क्या आपने कभी ध्यान दिया, आपने यहाँ जमीन के अंदर इसमें एक तार लगाया और हर चीज वहाँ वापस सब स्टेशन में जाती है, सीधे नीचे पृथ्वी में. और हर बार एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से जुड़ता और उसमें गड़ जाता है, वो उससे कैलवरी में जुड़ता और गड़ता है. सामने जहाँ लंगर परमेश्वर से बंधने वाला स्तंभ, वहाँ सुसमाचार की ज्योति को चमकाता है. आमीन. आप जानते हैं कि क्या बात है, लोग इन महान बड़े ठंडे लावारिस मुर्दा घरों में हैं, सुसमाचार प्रचार करने का बहाना कर रहे हैं. कल मेरे पास एक छोटा प्रचारक आया, एक बड़े नामधारी कलीसिया का था, आज बाहर मैदान में कैथोलिक से बाहर है. उसने कहा, भाई ब्रनम, मैं बीमार और थका हुआ हूँ. कहा कि वो हम सबको प्रचारकों को वस्त्र और गोल कॉलर पहनाएंगे और कुछ निश्चित बातें प्रचारेंगे और वे हमें बताएंगे कि हर तिमाही में क्या प्रचार करना है. उसने कहा, मैं इसमें और अधिक नहीं टिक सकता. उसने कहा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सुसमाचार प्रचार आरंभ कर देना चाहिए. मैंने कहा, भाई जब तक आप नामधारी मत के साथ हैं उसका सम्मान करें, आप वही करें जो वो चाहें. परंतु अपने प्रेस्बिटर या अपने राज्य के सुपरिटेंडेंट के पास जाएं और कहें, श्रीमान, मैंने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा फिर से जन्म पाया है, ये परमेश्वर का वचन है, यदि आप मुझे ये प्रचार करने देंगे तो मैं आपकी कलीसिया में टिकूंगा, यदि आप नहीं तो मैं चला गया, ये किसी और को दे दीजिए. इसे करने का यही तरीका है, इधर उधर झाड़ियों में डंडे ना चलाएं, नकारात्मक ना हो, बाहर आए, जो ठीक है वो ही कहें. उसने कहा, भाई ब्रनम, क्या आप सोचते हैं कि मेरे पास कलीसिया होगी. मैंने कहा, जहाँ लोथ होगी वहाँ उकाब इकट्ठे होंगे. ये ठीक बात है, वे अनुकरण करेंगे.
Like the man once that has set the chickens down. It's not a joke. I don't mean it for a joke. I mean it for a point. जैसा कि एक बार एक आदमी ने मुर्गी के बच्चे अंडों से निकलवाए, अब ये उपवास नहीं है। इससे मेरा अर्थ उपवास नहीं है, मेरा अर्थ एक नुक्ते से है। वो अपने चूजों के लिए तैयारी कर रहा था, उसके पास पर्याप्त अंडे नहीं थे, उसने उसके नीचे एक बत्तख का अंडा रख दिया। और जब वे सब अंडों से बाहर निकले तो बत्तख का बच्चा चूजों की दृष्टि में एक अजीब सी दिखने वाली चीज था। इसलिए मुर्गी चूजों से बोलेगी और छोटे चूजे आएंगे, परंतु बत्तख वो भाषा नहीं समझता। परंतु एक दिन बड़ी मुर्गी सबको पिछवाड़े ले गई। वहाँ पीछे पिछवाड़े एक ताजे जल का नाला था। जब उस छोटे बत्तख ने पानी की सुगंध ली, वो पानी के पास जितनी जल्दी हो सकती थी पहुँचा। बड़ी मुर्गी ने कहा कौं 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 कौं, और छोटे बत्तख ने कहा होंक 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 होंक। वो पानी की ओर बढ़ रहा था। क्यों? स्वभाव से वो बत्तख था भाई, जब उसे पानी की गंध लगी तो वो उससे दूर ना रह सका क्योंकि वो बत्तख था। और आज मैं ये कहता हूँ कि कोई भी लोग जो वास्तव में परमेश्वर को पाना चाहते हैं, उन पर कोई भी कलीसिया प्रभुता ना करे उन बातों के लिए कि वे जीवित न रह सकें या ये या वो। यदि आप में परमेश्वर का स्वभाव है तो आप पवित्रता की ओर जाएंगे, आप सही बात के लिए जाएंगे, आप सही बात का पक्ष लेंगे, आप सही कार्य करेंगे, आप सही बात सोचेंगे, आप सही बातों को जिएंगे। यदि आप बत्तख हैं, आप पानी पसंद करते हैं। यदि आप मसीह हैं, तो आप मसीह को पसंद करते हैं। यदि आप दुष्ट हैं, तो शैतान की बातों को पसंद करते हैं। यदि आप एक बाज हैं, तो आप मृत वस्तुएं खाते हैं। यदि आप एक सुअर हैं, तो आप गंदगी खाएंगे। आज आप कहाँ हैं? ठीक है, आप यहाँ होने का दावा करते हैं, प्रभु की चीजें खाते हैं, तब जाकर और शैतान के साथ जुड़ जाते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ है। उन आत्माओं की सुनना छोड़ दें, वे शैतान हैं। इससे कोई मतलब नहीं यदि आपको अकेले खड़ा होना पड़े। पुरुष और महिलाएं जो कभी भी किसी वस्तु के लिए बराबर बने हैं, वे पुरुष और महिलाएं ही थीं जो परमेश्वर के साथ अकेले खड़े रहे। मिकाया को देखिए, वो कैसे वहाँ खड़ा रहा। जिब्राल्टर की चट्टान के समान नहीं, परंतु युगों की चट्टान के समान। उसने कहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। धर्म विद्यालय क्या कहते हैं, मैं चिंता नहीं करता। मेरी सभा क्या कहती है, मैं चिंता नहीं करता। राजा क्या कहता है, मैं चिंता नहीं करता। यदि वे मेरा सिर काट भी दें, मैं केवल वही कहूंगा जो परमेश्वर मेरे मुख में कहने को डालेगा। ये सही था, वो सही था। और आज पुरुष और महिलाओं, संसार पर ध्यान ना दो कि उसके पास तुम्हारे लिए क्या है, उनमें कौन से मनोरंजन के साधन हैं, उनके पास बैक्टीरिया से संरोपण करने के लिए किस प्रकार की बैक्टीरिया है, और दावा करते हैं यदि आप कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं तो आप सही हो जाएंगे। ये झूठा संरोपण है। Right. क्यों? आपको अब भी पाप करने का रोग है। ये ठीक बात है।
So I tell you one thing, brother, that'll inoculate you from sin. That's come through the precious blood of the Lord Jesus Christ and be filled with the Holy Ghost. And that'll inoculate you from all sin, and your desires will be heaven bound. And you won't have no time for the things of the world. परंतु भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपका पाप से संरोपण करेगा वो प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से आता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और ये आपको सारे पापों से संरोपण करेगा और आप स्वर्गीय इच्छा से बंध जाएंगे और आपके पास संसार की वस्तुओं के लिए समय नहीं होगा। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, जब हम इन भरमाने वाली आत्माओं को लोगों के ऊपर देखते हैं और ये जानते हुए कि वे परमेश्वर की चीजों को तुच्छ समझते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप हर मनुष्य पर नियंत्रण रखेंगे, और जो महिला आज यहाँ है, प्रभु आज का दिन ऐसा हो कि वे ये अनुभव करें कि उनके जीवन परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाते, और ये लोग गलत चीजों को सुन रहे थे कि शैतान उन्हें पुरानी सच्ची कहानियों की पत्रिकाओं से सुख और अनुभूति दे रहा था, संसार की पुरानी सड़ाहट, पुराने सिनेमा के शो, गंदे टेलीविजन। Oh God, such impossible thing for a Christian to look at. God, it makes us sick. You said it made you sick like vomit. Oh, परमेश्वर, एक मसीह के लिए असंभव है कि ऐसी चीजों को देखे। परमेश्वर, ये हमें पीड़ित करता। आपने कहा इससे तुम पीड़ित हो जाओगे जैसे कि उल्टी होने को हो। You said a dog goes to its vomit and a hog goes to its water. आपने कहा एक कुत्ता अपनी उल्टी को चाटने जाता है और एक सुअर ने कीचड़ में। An old dog will vomit up something. See an old half-born, supposed to be hypocritical person come to the altar and like you're going to vomit up the world. If you don't keep your eye on him, come right back and eat the thing again. एक पुराना कुत्ता कुछ उल्टी करेगा। एक पुराने आधे जन्मे को देखिए, जो कि एक ढोंगी के समान वेदी पर आता है, और जैसे कि आप संसार को उल्टी करके निकाल देंगे तब भी उसके साथ बने रहते हैं, वे वापस आकर उन वस्तुओं को फिर से खाते हैं। Oh, God, clean your out, Lord. Hallelujah. Send the Holy Ghost with such old time convictions that will clean a man's appetite and clean his soul and clean him up and make him a heaven bound creature. Oh, परमेश्वर, अपने भवन को साफ कर। हेलुलुया, पुराने समय के समान पवित्र आत्मा के दृढ़ विश्वास को भेजें, जो मनुष्य की भूख को मिटा सके और उसके प्राण को निर्मल और उसे निर्मल और उसे स्वर्ग संबंधी जीवन बना दे। उसे दें, उसके यौवन को नया कर दें और उसकी प्रतिज्ञाएं उकाब के समान हो, ताकि वो चढ़ सके और इस संसार की चीजों को पीछे छोड़ दे और ऊपर आकाशों में उड़ान भरे, जहाँ से वो दूर से आती पीड़ाओं को देख सकता है। प्रभु इसे ग्रहण करें। आप अपने भविष्यवक्ताओं को उकाब के समान बनाते हैं, जिनके पास एक उकाब की आंख थी जो ऊपर जा सकते थे और बातों को बहुत पहले देखकर इससे पहले कि वो वहाँ आए। Oh God, bless this little church. Bless these people that come here. Bless the strangers in the gate today. ओ परमेश्वर, इस छोटी कलीसिया को आशीषित करें, जो यहाँ आए हैं उन्हें आशीषित करें, जो यहाँ आज अनजान हैं उन्हें आशीषित करें। And let them know that this message is not directed to no personal being, but directed especially, Lord, to those who are deeply in need. और वे जाने कि ये संदेश किसी को व्यक्तिगत रूप से संकेत नहीं करता, परंतु प्रभु विशेष तौर पर उनके लिए निर्देशित है जो बहुत ही आवश्यकता में है। Knowing that someday we must stand together in the judgment of God, and knowing that we'll be held responsible for knowing the truth and not saying it. ये जानते हुए कि किसी दिन हमें एक साथ परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना है, और ये जानते हुए कि हम इसके लिए उत्तरदायी ठहरेंगे कि सत्य को जानते हुए उसे नहीं कहा। Father, I pray that it will be taken upon every heart in Jesus' name.
पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर हृदय के ऊपर छा जाए यीशु के नाम में। With our heads bowed just a moment, I wonder if there's someone here this morning would say, Brother Branham, I'm sick and tired of these little things. एक क्षण अपने झुके हुए सुरों के साथ मैं अचरज में हूँ। यदि कोई यहाँ इस प्रातः ये कहेगा, भाई ब्रणम मैं इन मामूली पुरानी चीजों से पीड़ित और थक गया हूँ। They got petty things that hung on me so long. I'm always talking out of turn. I'm doing things I shouldn't do. I know it's not becoming to a Christian. I don't want to do that. God knows I don't. मेरे साथ बहुत सी चीजें हैं जो बहुत समय से मेरे साथ लगी हैं। मैं हमेशा अपने से अधिक बोलता हूँ। मैं वो चीजें कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ एक मसीह होने के लिए नहीं है। मैं ये नहीं करना चाहता। परमेश्वर जानता है कि मैं नहीं चाहता। And I don't want to listen to that old spirit anymore. It's the thing that set me down all my life from having real love and freedom in Christ. I want you to pray for me, Brother Bam, and say it'll leave me this day. और मैं उस पुरानी आत्मा की और अधिक नहीं सुनना चाहता हूँ। यही चीज है जो मुझे सारे जीवन भर मसीह की स्वतंत्रता और उसके वास्तविक प्रेम से अलग दबाए रही। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि भाई ब्रणम वो मुझे आज से छोड़ दे। क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? हर सिर झुका हुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ प्रभु, दर्जनों हाथ हैं। एक छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पुरानी चीजें जो आपसे बुलवाती हैं, या किसी प्रकार का कलीसिया में विवाद उत्पन्न कराती हैं, और आपको विवश करती हैं कि आप इधर या उधर की ओर हो जाएं, ओ अभक्तिपूर्ण है। ये भाइयों के बीच में एक विरोध है। और ये ना करें। आप ये नहीं चाहते, आप ये नहीं चाहते। और छोटी छोटी पुरानी बातें, थोड़ा पुराना गुस्सा, हर चीज जो दबाए रखती है। Say, God, I don't want that thing no more. I'm sick and tired of it. I'm ready the day to discard it. कहे परमेश्वर, मैं अब उस चीज को और नहीं चाहता। मैं इससे परेशान और थक गया हूँ। मैं आज इसे निकालने के लिए तैयार हूँ। I'm coming now, Lord, and I want to get away from all my selfishness. If my brother doesn't treat me right, I'll pray for him anyhow. If my daddy doesn't treat me right, I'll love him anyhow. अब मैं आ रहा हूँ, प्रभु। मैं अपने सारे स्वार्थीपन से अलग हो जाना चाहता हूँ। यदि मेरा भाई मुझसे सही व्यवहार ना करे, जो भी है मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा। यदि मेरे पिताजी मुझसे सही व्यवहार ना करें, जो भी हो मैं उनसे प्रेम करूँगा। यदि मेरी पत्नी मुझसे सही व्यवहार ना करे या मेरा पति, मैं परमेश्वर के सम्मुख नम्र होकर जाऊंगा। Lord, I look only to your kingdom. I want my mind straight. I want my heart full of joy. प्रभु, मैं केवल आपके राज्य को देखता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को सीधा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा हृदय प्रेम से भरा रहे। I want to go about when trouble is really buzzing around me. I still want to stay with my hands up and my heart pure before you, Lord, knowing this is someday I'll meet you. I want that kind of experience. Lord, make me that from this day. जब परेशानी मेरे चारों ओर मंडरा रही हो, तब मैं उसके विषय में जाना चाहता हूँ, और फिर भी मैं अपने हाथों को ऊपर उठाए अपने हृदय को आपके सन्मुख पवित्रता से स्थिर रखना चाहता हूँ। प्रभु, ये जानते हुए कि मैं किसी दिन आपसे मिलूंगा, मैं इस प्रकार का अनुभव चाहता हूँ। प्रभु, आज के दिन से मुझे ऐसा ही बना दे। क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? कोई जिसने थोड़ी देर पहले अपना हाथ न उठाया हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन, जब हमने अपने सर झुका रखे हैं, आप हमें एक छोटा सा स्वर दें। आपका इससे कितना अर्थ है? अभी ना खेलें, ये खेलने का समय नहीं है, ये ग्रहण करने का समय है। ये समय है जब आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। आइए इसे अभी उलट दीजिए। क्या आप करेंगे? Come give all you got to God. Say, God, I ain't got very much. I'm this little housewife. I can't do very much, Lord, but I can read the Bible. I can pray every day. आइए जो आपके पास है सब परमेश्वर को दे दें। कहें, परमेश्वर, मेरे पास बहुत नहीं है। मैं एक छोटी सी घरेलू पत्नी हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती, प्रभु, परंतु मैं आपकी बाइबल पढ़ सकती हूँ।
मैं प्रतिदिन प्रार्थना कर सकती हूँ। I can throw out all the treasures in my mind. I can throw all that stuff out. I'm guilty of a lot of things that preacher said this morning. So I'm dumping out today. I don't want it. मैं अपनी सारी गंदगी जो मेरे मस्तिष्क में है फेंक सकती हूँ। मैं सब चीजें बाहर फेंक सकती हूँ जो प्रचारक ने प्रातः कहा, उसमें मैं बहुत सी बातों की दोषी हूँ, इसलिए आज मैं उलट रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती। God, fill me with love. Fill me with the thing that makes me love the bitterest enemy I got. I really want it, Lord. परमेश्वर मुझे प्रेम से भर दें, मुझे ऐसी चीज से भर दें जिससे मुझे अपने सबसे खराब शत्रु से जो मेरा है प्रेम करूं। मैं वास्तव में ये चाहता हूँ प्रभु। जब वो यहाँ बजा रही हैं, तो क्या आप यहाँ वेदी पर आकर अब एक क्षण के लिए खड़े ना होंगे जबकि हम प्रार्थना के वचन के साथ एकत्र होते हैं? If you really mean that, if you're really ready to forsake it, you'll never leave this altar today with that on your heart if you'll come sincere. यदि वास्तव में आपके लिए कुछ विशेष है, यदि वास्तव में आप छोड़ना चाहते हैं, तो आज आप इस वेदी पर से इसे अपने साथ अपने हृदय पर लेकर नहीं जाएंगे। यदि आप निष्कपटता से आएंगे, और कहें मैं यहाँ पर एक मिनट खड़े होने के लिए आ रहा हूँ, जी हाँ भाई ब्रणम, जबकि आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करवाने के लिए आना चाहता हूँ, क्या अब आप आएंगे? अपने झुके हुए सिर के साथ कौन उठेगा और वेदी पर आएगा, वेदी के चारों ओर खड़ा होगा? इससे कोई मतलब नहीं कि आप कब से एक मसीही रहे हैं और अब भी आप में वो पुरानी आत्माएं जो आपसे बात करती हैं, आपको निरंकुश, आपको किसी के विषय में बात करने देती हैं। जब कोई आता है और वापस जाकर किसी के लिए कुछ बोलता है और आप उनके साथ मिल जाते हैं, ओ उन्हें भगा दें, भाई ये गलत है, ये ना कीजिए, अंत में ये आपको प्रतिज्ञा के देश से अलग कर देगा। यदि आप में कोई छोटी सी बात है जो कि नहीं होनी चाहिए, यदि परमेश्वर का प्रेम वास्तव में आपके हृदय में नहीं है, क्या आप पुरुष और महिला आकर कहें, मैं अभी इसे उंडेलने जा रहा हूँ, इसी प्रातः यहीं मैं अल्टर पर से भिन्न व्यक्ति बनकर जाऊंगा, क्या आप आओगे? क्या कोई पापी है जिसने कभी यीशु को स्वीकार ना किया हो? जानते हैं कि आप पापी हैं, आप उसे कि वो आपका उद्धार करता है नहीं जानते? आप कहते हैं हाँ भाई ब्रणम, मैंने सोचा मेरे पास बहुत आनंद है, मैं नाच और दावतों में जाता हूँ और वो सारी बातें, मैं गलत प्रकार के प्रदर्शन देखता हूँ और गलत प्रकार का साहित्य पढ़ता हूँ,
मैं पुरानी पुस्तकें जिनमें गंदी कहानियां होती हैं पढ़ता हूं, उन्हें याद कर मुझे आनंद मिलता है। भाई आपके साथ कुछ गड़बड़ी है, ये आपकी भूख है। देखा, आप मुझे देखने दें, कोई क्या पढ़ता है, कौन सा संगीत सुनता है। उस दिन कार में साथ साथ आते हुए कोई व्यक्ति विशेष ने बढ़कर मेरा रेडियो चला दिया, एक प्रकार का भद्दा संगीत। मैंने कहा इसे बंद कर दो, मैं ये नहीं सुनना चाहता, कोई पुरानी असभ्य चीज। कहा मैं क्यों ये सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा आपका स्वभाव गलत है, आप गलत हैं। जब मैं यहाँ पर था कुछ दिनों के बाद, पहाड़ों की ओर एक व्यक्ति के साथ मछली पकड़ रहा था। वे छोटी छोटी चिड़ियाएं गा रही थीं, लारक चिड़िया शोर मचा रही थी, वो पुरानी बुलबुल हवा में उड़ रही थी, यानी बुलबुल महिमा गा रही थी। मैंने जोर से चिल्लाकर उस लड़के से कहा, देखो ये मेरा संगीत है, इसे चलने दो, ये मेरा रेडियो है, जब मैं यहाँ हूँ तो परमेश्वर ने यहाँ गाने के लिए भेजा है, इससे मेरे प्राण को आनंद मिलता है। उस पागलपन की चीजों से अच्छा है वे पुराने पैसा डालकर संगीत सुनने के मशीन, शोर मचाता रहता है, यहाँ तक कि आप सार्वजनिक स्थान में खाना भी नहीं खा सकते, ये शैतान का भोजन है, ये शैतान का ढेर, सब पापों से मिश्रित है। क्या आप सब उसमें लिप्त हो गए और उसमें मगन हैं? जब वे उन संगीतों के बॉक्स में पैसे डालते और सारी गंदगी उसमें से निकल कर आती है और आप आनंद लेते हैं, आपके लिए लज्जा की बात है, आप परमेश्वर से पिछड़े हुए हैं, आप परमेश्वर से अलग हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते। यदि आपने परमेश्वर को अपने पापों की क्षमा में जाना होता तो आप कभी भी इस प्रकार की बेकार की चीज को ना सुनते, ये आपके लिए मृत होती, इससे आपको उल्टी आती, आप ये पसंद नहीं करते, आपका भोजन अच्छा है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आप इस प्रातः आकर इन पापों को स्वीकार करने वालों के साथ घुटने नहीं टेकेंगे? यहाँ पर पुरुष और महिलाएं घुटने टेके हुए हैं, ये लोग वर्षों से मसीही हैं। मैं उन्हें मसीहा से अलग नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं जो करने का यत्न कर रहा हूँ कि उन्हें बताऊँ कि शैतान ने उन्हें प्रेत के बंधन में बांध रहा है और उन्हें संपूर्ण आनंद से अलग रखता है। पवित्र आत्मा आनंद है, ठीक है, मैं पी हुई दशा में उठा, पिए हुए सोने गया, मैं सारे दिन पिए रहा, सारी रात पिए रहा। मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं इस पर मछली पकड़ने जाता हूँ। ओ नम्र दीन, उद्धार करने वाले, मुझे ना छोड़ जाना, मेरी नम्र आवाज को सुने, मैं शिकार पर जाता हूँ और परमेश्वर की महिमा गाता हूँ, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ प्रचार कर रहा हूँ। क्या आप इस प्रकार के नहीं बनना चाहते हैं? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो आपको उत्तेजित करता है।
You're singing those dirty songs. You can sing it. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. उन्हें गंदे गाने गाते हुए सुने, आप इसे गा सकते हैं। मैं प्रतिज्ञा के देश के लिए बंधा हुआ हूँ, मैं प्रतिज्ञा के देश के लिए बंधा हुआ हूँ। कौन आएगा और मेरे साथ जाएगा? मैं प्रतिज्ञा के देश के लिए बंधा हुआ हूँ। क्या आप साथ जाने के लिए नहीं आएंगे? मैं स्मरण करता हूँ जब लगभग 500 लोग हम में से वहाँ खड़े थे, जब मैं वर्ष के इस समय के लगभग 120 लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। यहाँ नदी के किनारे जब एक महान सितारा चमकता हुआ नदी पर आया। हालेलुया। उसमें से एक शब्द बोल रहा था, एक दिन तुम समस्त संसार में सुसमाचार फैलाओगे। कैसे वो निर्धन छोटा उपेक्षित खेतीहारा लड़का इसको कर सकता था? परमेश्वर का अनुग्रह। आमीन। ओ, कौन आएगा और जाएगा? अलग हो जाओ। अब हर बोझ को एक और डाल दो। उन भरमाने वाली आत्माओं की मत सुनो, आकर परमेश्वर का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आइए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने सिरों को इन सब के साथ जो ऑल्टर पे हैं झुकाएं। प्यारे बालको, मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रातः स्मरण रखें। आप वहाँ हैं जब आप अपने बोझ को एक ओर रख रहे हैं। पाप आपको सरलता से व्याकुल कर देता है। Paul said in Hebrews the 12th chapter, seeing that we are compassed about but such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. पौलुस ने इब्रानियों के 12वें अध्याय में कहा, इस कारण कि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। And what shall I more say? For time would not tell. Of Gideon, of Balak, of Barak, of Samson, of Jephthah, of David, of Samuel, and of the prophets. अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और समसून का और यफ्ताह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूँ। उन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, out of weakness is made strong, and wipe the violence of the enemy in flight, and women receive their dead raised to life,
आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, शत्रु भाग गया, स्त्रियों ने अपने मरुओं को फिर जीवित पाया। And others received torment, cruel marks, scourges, moreover, more in their bonds and imprisonment. कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने। And others who had trials, mocking, scourging, they all obtained a good report to faith. और जो परीक्षाओं में पड़े, ठट्टों में उड़ाए जाने और विश्वास के द्वारा, इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। And all these had obtained a good report through faith. Receive not the promise, God having provided some better thing for us, that without us they might not be made perfect. इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुँचे। We are compassed about with such a great cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin that easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despised the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। यीशु ने अपनी प्रार्थना में कहा, पिता मैं स्वयं को पवित्र करता हूँ। यीशु कलीसिया के लिए पवित्र हुआ। वो विवाह कर सकता था परंतु उसने नहीं किया, वो पवित्र हो गया। He said, "Sanctify them, Father, through the truth. Thy word is the truth." उसने कहा, उन्हें पवित्र कर, पिता सत्य के द्वारा, तेरा वचन सत्य है। Now let's lay aside every weight. You got a temper? You got something about you that makes you talk when you ought not to talk? Oh God, lay it there now. अब हम हर बोझ को एक और डाल दें। आप में क्रोध है, आप में कुछ है जो आपसे बातें करवा देता है, जबकि आपको बातें नहीं करनी चाहिए। ओ परमेश्वर, अब उसे वहाँ रख दीजिए। इसे वहाँ रख दीजिए। देखिए, वेदी की आग नीचे आकर इसे ले जाती है। परमेश्वर के प्रेम को देखिए, इसे साफ कर देता है। The way you've talked about the people in the church, lay it on the altar this morning, and the fire of God will come down and take it right away, and divine love will burn in this place. देखिए पुराना स्वार्थीपन, जिस प्रकार से आप अपनी पत्नी से बात किया करते थे, जिस प्रकार से आप अपने पति से बातें करती थीं, जिस प्रकार से आप अपने पड़ोसी से बातें करते थे, जिस प्रकार से आप लोगों के विषय में कलीसिया में बातें करते थे, इस प्रातः इसे ऑल्टर पर रख दीजिए और परमेश्वर की आग नीचे आएगी और इसे यहाँ से ले जाएगी और उसके स्थान में दिव्य प्रेम की आग जल जाएगी। आपको बीमारी है, उसे ऑल्टर पर रख दीजिए, कहिए प्रभु ये यहाँ है, मेरे अंदर एक स्वच्छ आत्मा उत्पन्न कर दीजिए, मेरे अंदर चंगाई की सामर्थ्य उत्पन्न कर दीजिए। देखिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर इस प्रातः करेगा। Our heavenly Father, we bow in your presence in behalf of those at the altar. Let thy grace rest upon each one of them, Father. हमारे स्वर्गीय पिता, हम इनकी ओर से जो ऑल्टर पर हैं, तेरी उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाते हैं और तेरा अनुग्रह इनमें से प्रत्येक के ऊपर ठहरे पिता। Now, as they, Lord, I can't do it for them. They've got to do it themselves. No man can do it for them. They have to do it alone. अब जैसे कि ये प्रभु मैं इनके लिए नहीं कर सकता,
इन्हें ये स्वयं करना है, कोई भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, इन्हें ही स्वयं करना है। Let their souls now say in their cells, oh God, this temper, I'll lay it down here, Lord, I'll never pick it up. No matter what comes or goes, I'll let it go for now. इनके प्राण अब अपने आपे में कहें, ओ परमेश्वर ये क्रोध मैं इसे यहाँ रखता हूँ, प्रभु मैं इसे कभी नहीं उठाऊंगा, कोई चिंता नहीं क्या होता है, अब से मैं जाने दूंगा। This tongue of mine has been easy to take sides with a bunch of gossip. Lord, I'm laying it down here. I'll never pick it up again. Sanctify my tongue, Lord. मेरी ये जुबान जो सरलता से गपशप के झुंड में सम्मिलित हो जाती थी, प्रभु मैं इसे यहाँ रखता हूँ, मैं इसे फिर कभी नहीं उठाऊंगा, प्रभु मेरी जुबान को शुद्ध कर दें। Let me feel the angels coming through like Isaiah did. When he said, I'm of unclean lips, Lord, me. And the angel comes up the tongs and went to the altar and got the coals of fire and laid on his lips and sanctified. मुझे ऐसा अनुभव होने दें जैसे सरदूत ने यशाय के साथ किया, जब उसने कहा मैं अशुद्ध होंठों वाला हूँ, हाय मुझ पर, और सरदूत ने आकर चिमटा लिया और वेदी पर जाकर आग का अंगारा लिया और उसके होंठों पर रख दिया और उसे शुद्ध कर दिया। God sanctify every talker this morning that talks wrong with so discard. Grant it, Lord. परमेश्वर हर बात बनाने वाले को इस प्रातः पवित्र करें जो गलत बातें करके और विरोध को बोता है, प्रभु ये प्रदान करें। All the diseases that bowed here in this building, diseased people, knowing that they're devils too. सारे रोग जो इस भवन में झुके हुए हैं, रोगी लोग ये जानते हैं कि वे भी प्रेत हैं। God is your servant, I rebuke them in Jesus' name. May they come out of every sick person. परमेश्वर आपकी दास की तरह मैं इन्हें यीशु के नाम में डांटता हूँ, होने दे कि ये प्रत्येक रोगी व्यक्ति में से बाहर निकल जाए। And may every unclean person has got unclean thoughts, vulgar, lust, men and women alike, God take it out of them. और हर अशुद्ध व्यक्ति जिसमें अशुद्ध विचार, अशिष्ट लालसा, पुरुष और महिला समान हैं, परमेश्वर उनमें से वो बाहर निकाल दें। All these are trying to get rid of cigarettes and little social drinks and little parties and selfish things. वे सब जो यहाँ सिगरेट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और साधारण सामाजिक पे और छोटी छोटी दावतें और स्वार्थी बातें। God stimulates their heart with the Holy Ghost in such a way that those things don't have any desire no more. You have no room. You're so full of the Holy Ghost. परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदयों को इस प्रकार से उत्तेजित करे कि वे बातें अब आगे को उनकी इच्छा ना रहे, उसके लिए कोई स्थान ना हो, अब यहाँ से आगे के लिए आप पवित्र आत्मा से पूर्ण हैं। God make this little church a burning bush. Let the Holy Ghost taste. Make it a burning fire. That the world might turn aside to see the glory of God. परमेश्वर इस छोटी सी कलीसिया को जलती झाड़ी बना दें, इसे पवित्र आत्मा का स्थान बना दें, इसे ज्वलंत आग बना दें, ताकि संसार पलटकर परमेश्वर की महिमा को देखे। परमेश्वर इन थोड़े से लोगों से लगभग 100 लोग यहाँ इस पर आते हैं, इनसे आरंभ करें, प्रभु से ग्रहण करें। Purify every heart. Every Methodist, every Baptist, every Catholic, every Presbyterian, every Pentecostal. Lord, take it out of their heart and let them come to you today. Then it's harder. प्रत्येक हृदय, प्रत्येक मेथोडिस्ट, प्रत्येक बैप्टिस्ट, प्रत्येक कैथोलिक, प्रत्येक प्रेस्बिटेरियन, प्रत्येक पेंटिकॉस्टल को शुद्ध करें, प्रभु इनके हृदय में से निकाल दें और आज इन्हें अपने पास आने दें, पिता इसे ग्रहण करें। I command them to you and commit them to you in Jesus Christ's name for the cleansing of their souls and the healing of their bodies. मैं इन्हें आपके समर्पण में देता हूँ और आपको समर्पित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में इनके प्राणों की शुद्धता के लिए और इनके शरीर की चंगाई के लिए, आमीन। I wonder at the altar. Have you left your burden? You feel like it's laying there? मैं अचरज में हूँ कि आपने अपने बोझ को वेदी पर छोड़ दिया है, क्या आप अनुभव करते हैं कि ये वहाँ रखे हैं? If you feel it's laying there, you be the judge. You're the one that's praying. I've done the preaching, you're doing the praying. यदि आप अनुभव करते हैं कि ये वहाँ रखे हैं, आप न्यायी हैं, आप हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने प्रचार किया है, आप प्रार्थना कर रहे हैं। Is your burden left there, brother, sister? Can you really leave it there? If you can raise your hand, say yes, God. Now I leave it here.
क्या आपका बोझ वहाँ छूट गया भाई बहन? क्या आप इसे वास्तव में वहाँ छोड़ सकते हैं? यदि आप छोड़ सकते हैं, अपना हाथ उठाएं, कहें परमेश्वर अब मैंने इसे वहाँ छोड़ दिया है, मेरे मतभेद मैं यहाँ वेदी पर छोड़ दूंगा। मेरी दहनी ओर वेदी के अंतिम सिरे की ओर इस विषय में क्या है महिला, क्या आप इसे वहाँ छोड़ सकती हैं? Can you leave that old bird and lay there and say, yes, my face looks up to thee, thou Lamb of Calvary, while we all sing it together now. क्या आप उस पुराने बोझ को वहाँ रख सकती हैं? जी हाँ, मेरा विश्वास तुझे देख सकता है, तू कैलवरी का मेमना, जबकि अब हम एक साथ इसे मिलकर गाते हैं। आप प्रत्येक वास्तविक आदर सहित अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब हर कोई ध्यान पूर्वक सुने, कोई भी ना जाए, थोड़ा सा सभा अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप इस छोटी सी पवित्रता को ले लें, इस छोटी सी गंभीरता को। And grief surround me spread, be thou my guide. जब जीवन अंधकार की भूल भुलैयों में भटकता हो और मेरे चारों ओर दुख फैले हो, तू मेरा मार्गदर्शक होना। If darkness turns to day, wipe all tears away, and let me from this day be wholly thine. अंधकार हटाकर दिन कर देना, दुख के आंसू पोछ देना, और होने दे कि आज के दिन से मैं सारा का सारा तेरा हो जाऊं। Don't sing it to your neighbor now. Close your eyes. Let's sing it slowly as we raise our hands to God. अब अपने पड़ोसी के लिए ना गाएं, अपनी आंखें बंद करके और धीरे धीरे गाएं, जैसा कि हम हाथ परमेश्वर की ओर उठाते हैं। अब मैं अचरज में हूँ, कितनों के पास पिता उस दूसरे देश में है? हम आपके हाथों को देखें।
कितनों के पास माँ उस दूसरे देश में है, हम आपके हाथों को देखें। कितनों के पास बचाने वाला उस दूसरे देश में है, हम आपके हाथों को देखें। Now, while we sing that again, I want you to shake hands with somebody standing by you and say, brother, sister, pray for me, and I'll meet you in the other land. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें। अब जबकि हम इसे फिर से गा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो कोई आपके पास खड़ा हो, आप उससे हाथ मिलाएं और कहें, भाई बहन, मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं आपसे दूसरे देश में आपसे मिल सकूं। जब तक मत करिए जब तक आप सही में इसके अर्थ को ना लें। कितने एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, कितने यहाँ हर एक से मिलना चाहते हैं, वहाँ पर निश्चय ही हम चाहते हैं। अब आइए एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे उस पार मिलना चाहता हूं। अब जबकि हम इसे गाते हैं, वहां मेरे पास एक बचाने वाला है, ठीक है। क्या आपको इससे अच्छा अनुभव नहीं होता? यीशु मुझे रक्त सलीब के पास अब हर कोई अपना हाथ उठाए। Our own lovely way, let's just praise Him with our hands up.
and thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. परमेश्वर की महिमा हो। आइए अब शांति से अपने सिरों को झुकाएं और अपने ही प्यारे ढंग से हम उसकी महिमा अपने हाथों को उठाकर करें। कहें धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मुझे चंगा किया। Thank you, Lord, for all that you've done. Bring sweet deliverance. Bring free salvation. Thank you, Lord. प्रभु तेरा धन्यवाद उस सब के लिए जो तूने किया। एक मिठास भरा छुटकारा, मुफ्त का उद्धार लाया तू प्रभु। We give you this thank offering. We praise you because you're so lovely. You're the lily of the valley, the morning star, the rose of Sharon, the Lord. हम तुझे ये धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि आप बहुत प्रिय हैं। आप घाटी की कुमुदनी हैं, भोर का तारा, शेरोन का गुलाब और सब कुछ। You're the Father, the Son, the Holy Spirit. He that was, which is, and shall come. The great Alpha Omega. आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हैं, वो जो था, जो है और आएगा, महान अल्फा ओमेगा। You're the wonderful one, the Prince of Peace, the root and offspring of David. You're all, and we thank you, Lord, for all that you've done. आप एक अद्भुत हैं, शांति के राजकुमार, दाऊद की जड़ और संतान, आप सब कुछ हैं, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस सब के लिए जो तूने हमारे लिए किया। We thank you for your word, for it is a light unto our path. Oh, we pray, Lord, that you let us walk in the light. Grant it, Father, in Jesus Christ's name. Amen. हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमारे मार्ग के लिए उजियाला। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उजियाले में चलाएंगे। पिता, इसे ग्रहण करें। ठीक है, जबकि हम एक मिनट के लिए बैठे हैं, हम ज्योति में चलेंगे। संतो आओ, अब हम इसे गाएं। क्या आपको अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है? कितने अच्छा अनुभव कर रहे हैं? जरा आपने अपने हाथ ऊंचे करें और कहें, मुझे वास्तव में अच्छा लग रहा है। Holy Spirit, oh, shout, yeah. Then we'll walk in the light.
Don't listen to any of it. What is the light? Thy word is the lamp. पवित्र आत्मा ने आप सबको घेरे में ले लिया है, तब हम ज्योति में चलेंगे। किसी की न सुने। ज्योति क्या है? तेरा वचन चिराग है। So then we walk in this life. It's a beautiful life. It comes with a mercy heart. अब ये कितना सुंदर है, ऐसा लगता है कि हम समाप्त नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमें पकड़े हुए है। क्या आप ऐसा अनुभव नहीं करते? ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि मैं समाप्त नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि जैसे कि नहीं कर सकते। Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honestly be told. Then they stoned Stephen. He preached against him. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving home. It keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Listen, there's souls under the altar. It's crying, come on, for the Lord to punish those who've done wrong. But there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel with its crimson flood. Just keep dripping with blood. Hallelujah! It's dripping with blood. मैं उनमें से एक होना चाहता हूँ। मैं सीधा प्रचार मंच पर से जाना चाहता हूँ। आमीन। ओ कितना अद्भुत है। My brethren, give their life blood. There's going to be more. It'll do the same thing. Don't worry, it's coming down to a showdown pretty soon. You'll either go in or go out. मेरे भाइयों ने अपने जीवन का लहू दे दिया। अभी और भी हैं जो यही कार्य करेंगे। चिंता न कीजिए, इसका बहुत जल्द ही प्रदर्शन होने वाला है। आप या तो भीतर जाएंगे या बाहर। Churches and all going in, they're all conglomerating together.
वे सब अब गिरजों की सभा के साथ मिलने जा रहे हैं और सब उसमें जा रहे हैं, वे सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। And they're going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its living blood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping. ओ प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रैप्चर कलीसिया के ऊपर है। ओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सारे पाप लहू के नीचे हैं। See, the Holy Spirit likes the word. The word that the Holy Spirit feeds on, see. देखिए, पवित्र आत्मा वचन को पसंद करता है। वचन वो है जो कि पवित्र आत्मा खाता है, समझे? Oh, now it comes down, gets it among the people. Cleanses their sins. Takes away their sickness. Takes their blues away. Oh, ये नीचे आकर लोगों के मध्य में हो जाता है। उनको पापों से शुद्ध करता है, उनके रोगों को ले लेता है, उनकी दबी आत्मा को ले लेता है। Now I'm drunk. Drunk as I can be. Drunk on the Spirit. अब मैं पिए हूँ, केवल पिए हूँ, जितनी हो सकती है, पवित्र आत्मा में, प्रेम में मेरा हृदय उभर रहा है। कोई चिंता नहीं, किसी ने कभी क्या किया था, वो क्षमा हो गया। आपका कट्टर शत्रु अब समाप्त हो गया है। किसी ने कभी कोई बात की हो या कुछ कहा हो, यदि मैं ठीक है, जो कि सब चला गया, अब सब शुद्ध हो गया। ओ, ये कितना अद्भुत है। What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to be Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. We are prepared to be Jesus our King. What a wonderful time will be. कितना अद्भुत समय होगा, आपको पसंद है ये? आइए। Just an old cleansing up, scouring out. Good old wonderful time. Don't you feel good? मुझे पुराने चलन की बेदारी का अनुभव इस कलीसिया में हो रहा है, क्या आपको नहीं? बस एक पुरानी शुद्धता बढ़ती जा रही है। भला पुराना अद्भुत समय, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ओ, I will praise him, I will praise him, praise the Lamb for sinners. मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा। मेमने की महिमा करो, क्योंकि पापियों के लिए वध हुआ है। अब हम में से प्रत्येक गाय। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, यहाँ आए भाई नेविल, इसकी अगुवाई में आप मेरी सहायता करें।
अब इस प्रातः अब सब एक साथ अपने हाथों को उठाएं और मेरे साथ गाएं। अब हर कोई आए। आमीन। ये अद्भुत है। आमीन। बहुत ही अद्भुत। ओ, अब आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। सब मुझे आशा है आपको अच्छा अनुभव हो रहा है। Remember the services tonight. Now we want to sing our good old dismissing song. आज रात्रि की सभाओं को स्मरण रखें। अब हम अपना पुराना विसर्जन वाला गीत गाना चाहेंगे। At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him when our journey is complete. यीशु के नाम में झुकते हैं, उसके चरणों में झुकते हैं। स्वर्ग में राजाओं का राजा हम उसे ताज पहनाएंगे जब हमारी यात्रा पूरी हो जाए। ठीक है, अब हरेक एक साथ। ठीक है। कितनी शानदार प्रातः है, कितना अद्भुत समय है। अब आइए अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं, अब प्रत्येक सीधा मसीह की ओर देखे, आपका बचाने वाला एक शांति के मार्ग से। मैं चाहता हूं कि आप उसको धन्यवाद और महिमा दें। कहें प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवादित हूं कि आपने मेरे प्राण को पवित्र किया है। मैं आपका बहुत धन्यवादित हूं कि आपने मेरे लिए ये सब किया है। अब तेरा आत्मा सारे दिन मुझ पर हो। प्रभु मेरी अगुवाई करें, मुझे निर्देशित करें, मुझे आशीषित करें।
God grant that blessing to you is my prayer. परमेश्वर आपको ये आशीष प्रदान करे, ये मेरी प्रार्थना है। अब जब हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाए हुए हैं, भाई नेविल प्रार्थना के द्वारा हम सबको विसर्जित करेंगे।